सबों को नमस्कार जोहार। आज के इस संगोष्ठी में जिसमें स्वास्थ्य विभाग की पारदर्शी बजट हेतु जो एक आपके सलाह विचार अनुभवों को साझा करने और राज्य की आवश्यकता के साथ साथ आज के समय की मांग के लिए ये जो परिचर्चा और रायशुमारी का यह कार्यक्रम रखा गया है उसमें आप सबों का स्वागत है। विशेष करके आईएमए के प्रतिनिधि, मेडिकल कॉलेज रिनपास, मेडिकल कॉलेज के पार्टनर्स, डेवलपमेंट पार्टनर्स, एडवोकेट विंग के लोग, नर्सेस, सहिया, एनजीओ प्रतिनिधि और हमारे मीडिया के सभी प्रतिनिधि गणों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से। और आज हम खुश हैं कि हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो सबसे मुख्य व्यक्ति जिनके नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारे साथ में माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी हैं और उन्हीं की अध्यक्षता में आज की ये संगोष्ठी होगी। मैं पुनः स्वागत करती हूं उनका। मैं स्वागत करती हूं हमारे अपर मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार सिंह सर का। उनकी अगुवाई में हम लोग नित्य प्रति आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ में हमारे अपर अभियान निदेशक पंकज मिश्रा सर शर्मा सर भी हैं और हम लोग उनका भी स्वागत करते हैं। आज खुल करके बातचीत करने का, अपने परिवेश को समझने का, अपने राज्य की जो ज़रूरतें हैं उसको समझने का और समझ करके उसको एक साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ने का समय है। क्योंकि जब भी बात होती है हेल्थ की तो कहा जाता है हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, और जब स्टेट का ये सब्जेक्ट है तो इसमें आम जनमानस की भागीदारी आवश्यक है। इस बजट में इसमें आम जनमानस की भागीदारी के साथ साथ स्वास्थ्य के जो फ्रंट लाइन के हमारे कार्यकर्ता हैं उनकी भागीदारी की भी ज़रूरत है। इसके साथ साथ हमारे जो विशेषज्ञ चिकित्सक गण हैं उनकी भी भागीदारी की आवश्यकता है, और विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ साथ जो हमारे पार्टनर्स हैं जो विभिन्न तरह से तकनीकी हमें सहायता करते हैं, आज उनकी भी भागीदारी अपेक्षित है यहाँ पर। और जो मीडिया के हमारे प्रतिनिधि हैं, क्योंकि उनके द्वारा हम चीज़ों को और बेहतर रूप से लोगों तक पहुंचा पाते हैं और उनकी समझ को बढ़ाने से लोगों की समझ बढ़ती है, इसलिए आप सबों का स्वागत है। मैं आगे का समय हमारे अध्यक्ष आज के इस कार्यक्रम में अध्यक्ष महोदय सर का, और आगे मैं हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय सर से चाहती हूं कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आज की इस आपकी राय सबकी राय सबका बजट इस गोष्ठी में सबसे पहले मैं हमारे माननीय मंत्री जी का स्वागत करता हूं, जो बहुत ही सक्रिय हैं, तत्पर हैं और चाहते हैं कि राज्य में जो निवासी हैं उनके स्वास्थ्य के स्तर में हम लगातार बेहतरी लाएं, उसे बेहतर बनाएं, बेहतर सुविधाएं दें। और अगले वर्ष का बजट तैयार हो रहा है, इसी क्रम में माननीय मंत्री जी ने एक बहुत ही विजनरी कदम उठाया है स्टेक होल्डर्स मीटिंग करके, क्योंकि बजट जो बन रहा है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें जो समस्याएं हैं उनको हम एड्रेस करें, जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करें। कैसे यह बजट जनता के उम्मीदों पर खरा उतरेगा, कैसा ये जनता की उम्मीदों को पूरा करेगा, कैसे हमारी सोच विजनरी होगी, दूरगामी होगी,
आप लोग चूंकि इस क्षेत्र में काफ़ी लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं और आपके मन में भी बहुत विचार आते होंगे, काश ऐसा होता, काश यह भी सरकार करती, यह इंटरवेंशन करती, प्राइवेट सेक्टर को भी इनवाइट करती इस पर्टिकुलर सेक्टर में, तो ऑल दोज आइडियाज़ मस्ट बी कमिंग इन योर माइंड। तो ये मौका है अपने विचारों को व्यक्त करने का, ऐसे विचार जो इम्प्लीमेंटेबल हों, ऐसे विचार जो जनहित में हों, ऐसे विचार हों जो बेहतर परिणाम प्रदान कर सकें। एक बहुत बड़े विचारक हुए थे, उनका नाम था बेंथम। तो बेंथम का कंसेप्ट था मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ मैक्सिमम नंबर, दैट शुड बी आवर ऑब्जेक्टिव, कि अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक लाभ। तो कैसे इस बजट के माध्यम से हम अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक लाभ प्रदान कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा विभाग है और इस विभाग के अंतर्गत मेडिकल एजुकेशन आती है, जनता के स्वास्थ्य के इश्यूज आते हैं और फैमिली वेलफेयर आता है। हमारा एक बहुत बड़ा विंग है नेशनल हेल्थ मिशन, और नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत गर्भवती माताओं के लिए, बच्चों के लिए, न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए, किशोरों के लिए, किशोरियों के लिए, उम्र दराज लोगों के लिए, तरह तरह की बीमारियां, टीबी से ग्रसित लोगों के लिए, लेप्रोसी से ग्रसित लोगों के लिए, इन सब के लिए प्रावधान है, उनकी चिकित्सा के लिए प्रावधान है, प्रिवेंशन एंड क्योर। एक बहुत बड़ा चैलेंज हम लोग के सामने है मैन पावर का, उस दिशा में भी लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार की प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रियाएं एक बहुत बड़ा चैलेंज हम लोग के लिए, लेकिन वी आर ट्राइंग टू ओवरकम दोज चैलेंजेस बाय फॉलोइंग द प्रोसेसेस, एंड दोज प्रोसेसेस टेक टाइम, सो दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अस। तो मैं अब आप के कोर्ट में बॉल देता हूँ, आप लोग अपना परिचय भी देंगे, जब कोई आपके विचार होंगे परिचय देंगे, और परिचय के बाद अपने विचार व्यक्त करेंगे। विचार को अगर सारांश में कहेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा, और दूसरा कि यदि किसी ने वह विचार व्यक्त कर दिया तो उसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके बाद हम लोग उस पर रेस्पॉन्ड भी करेंगे कि हमने क्या उस पर रुख अपनाया है या हमने क्या प्लान किया है, क्योंकि हमने कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इस साल का बजट का तैयार किया है, उसमें अब आपके विचार अनुसार यदि कुछ संशोधन करना होगा तो उस संशोधन की दिशा में भी हम लोग आवश्यक कार्रवाई करेंगे। नाउ आई कॉल फॉर योर सजेशंस, द हाउस इज ओपन नाउ। माइक उपलब्ध, जो बोलना चाहते हैं वो हाथ ऊपर करेंगे, एंड देन ही कैन स्पीक सो दैट माइक कैन बी टेकन टू हिम, माइक्रोफोन। हेलो, सबसे पहले तो ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर एंड ऑनरेबल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को धन्यवाद फ्रॉम IMA फॉर इनवाइटिंग अस। सार संक्षेप में, मैक्सिमम लोगों के लिए का मैक्सिमम बेनिफिट के लिए मेरा सुझाव दो है। पहला ये है कि अभी सरकार ने सभी सरकारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में डिजिटल वीडियो कॉल्पोस्कोप एवं क्रायो मशीन लगाने की योजना बनाई है। मेरा सुझाव है कि केवल डिजिटल वीडियो कॉल्पोस्कोप ना हो, उस पर क्रायो मशीन जरूर हो। अगर हम इंडियन ब्रांड लेते हैं तो 3 लाख रुपए की डिजिटल वीडियो कॉल्पोस्कोप और क्रायोगन और 3 लाख की ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग की मशीन आती है, तो जो बजट है 1 करोड़ 32 लाख का,
उसमें अगर हम 6 लाख जोड़ते हैं तो 1,38,00,000 होता है, तो उससे सर्वाइकल कैंसर की डिटेक्शन और प्री कैंसर की ट्रीटमेंट की मशीन और ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग की मशीन सभी जिला अस्पताल में लग जाएगी, मैक्सिमम लोगों का मैक्सिमम बेनिफिट। सुझाव नंबर 2, हमारे राज्य में क्षेत्रीय कॉर्निया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाने का सुझाव है, ताकि हमारे राज्य की कॉर्निया जिस आई बैंक में ज़्यादा है मगर उसमें मरीज कम है, वहाँ से उन आई बैंकों को मिले जहाँ पर मरीज वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है, और जो राष्ट्रीय कॉर्निया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से मंगाने पर मरीज को 6,000 से लेकर 8,200 का अतिरिक्त खर्च होता है। अगर हम क्षेत्रीय कॉर्निया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाते हैं तो सुझाव ये है कि 1 जोड़ी आँख के कॉर्निसोल प्रिजर्वेटिव मीडियम के लिए 2,400 लगता है, सीरोलॉजी टेस्ट का 2,600 लगता है, कुल हुए 6,000 रुपये, और ट्रांसपोर्ट का पैसा अलग से लगता है। इसका प्रावधान कॉर्निया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बनाना चाहिए। कॉर्निसोल मीडियम 1 जोड़ी 1,200 प्लस 1,200 2,400, सीरोलॉजी टेस्ट 4 तरह के होते हैं, इसमें 2,600 का खर्च आता है कुल मिलाकर के, और डिस्पोजेबल जो इक्विपमेंट होते हैं उसका 1,000। कुल मिला के 1 जोड़ी कॉर्निया के प्रिजर्व करने के लिए 6,000 रुपये की ज़रूरत पड़ती है, और ट्रांसपोर्ट का पैसा अलग लगता है। तो मेरा ये 2 सुझाव है मैक्सिमम लोगों का मैक्सिमम बेनिफिट के लिए। थैंक यू सर। मेरा इसमें एक और निवेदन, जो भी आप सुझाव देंगे उसको लिखित रूप में दे दीजिएगा, तो उससे क्या है कि देन वी विल फॉलो इट अप इन लेटर एंड स्पिरिट। या यू कैन गिव इट। एक्स्ट्रा कॉपी तो दे दीजिए इफ यू हैव एक्स्ट्रा कॉपी। मैं डॉक्टर राजेश कुमार फ्रॉम रानी चिल्ड्रन हॉस्पिटल। अभी एक बजट संगोष्ठी भी हुई थी, उसमें मैंने अपने विचार रखे थे और संक्षेप में मैं उसको दोबारा दोहराना चाहूँगा। पहला बात तो है आयुष्मान भारत को लेकर, अभी क्या है कि रेट रिवाइज हो रहा है, अभी बहुत सारे रेट्स ऑलमोस्ट कुछ प्रोसीजर के लिए डबल हो गए हैं, और मैं एक उसका मेंबर भी हूँ न्यू बॉर्न रेट कमेटी का, तो न्यू बॉर्न का भी रेट रिवाइज हो रहा है, वो भी 1.5 times होने जा रहा है, और साथ साथ हम लोग 15,00,000 फैमिली ग्रीन कार्ड वाले को भी ऐड कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 90% पॉपुलेशन कवर हो जाएगा। सो रफली जो मेरा अनुमान है कि जितना बजट एलोकेशन लास्ट ईयर आयुष्मान भारत का है उससे ऑलमोस्ट डबल हमें चाहिए, जो अदरवाइज़ वो बजट काफ़ी कम पड़ जाएगा अदरवाइज़, क्योंकि एक दो लाभार्थी जुटेंगे और दूसरा है कि रेट भी 1.5 to 2 times बढ़ने जा रहा है। और दूसरा है कि जो हेल्थ HR की जो बात की, हमारे यहाँ डॉक्टर्स और नर्सेस की काफ़ी कमी है, और अभी जो पॉलिसी है इसका है कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए, ये पॉलिसी आपकी पुरानी पॉलिसी है, वो एक पॉलिसी बनी है 2016 में, और 2016 की जो पॉलिसी है उसमें अभी मैक्सिमम 30 crores का प्रावधान है 150 बेड के मेडिकल कॉलेज के लिए, और अगर हम देखें जो पॉलिसी लास्ट ईयर बनी है जो कि सुपर स्पेशली हॉस्पिटल्स के लिए है झारखंड में, उसमें है कि अप टू 25% ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमम ऑफ 20 crores, साथ में स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं है और साथ में इंटरेस्ट पे सब्सिडी भी 5% मिलता है। तो मेरा आग्रह रहेगा कि इस तरह की पॉलिसी फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए भी दे दी जाए, कि उसमें 25% ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम 50 करोड़ के आसपास अप टू 150 बेड्स का, अगर ये ऐसी प्रावधान कर दिया जाए तो हो सकता है प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं झारखंड में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए आगे आएंगे, और साथ साथ कुछ नर्सिंग कॉलेज भी नए झारखंड में खोले जाएँ, एटलीस्ट 2 या 3, उससे जो नर्सेस की कमी है वो कमी हो जाए। साथ प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ साथ सरकार को चाहिए कि कम से कम 2 सरकारी मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएं, क्योंकि सरकार का जो अल्टीमेट गोल है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज खोल दिया जाए, लेकिन कम से कम 2 और अगर मेडिकल कॉलेज अनाउंस कर दिया जाएगा तो यानी कि डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी। धन्यवाद।
मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, झारखंड आईए में। सर्वप्रथम मैं अपने ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर और श्री बन्ना गुप्ता जी और ऑनरेबल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ श्री अरुण सिंह जी का मैं स्वागत करता हूँ। ये आज का जो विषय है, सबकी राय और सबका बजट। तो सबकी राय और सबकी बजट में मेरा पहला जो सुझाव है वो है कि बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका हम बजट में जो प्रावधान करते हैं और उनको जो हम उल्लेख करते हैं, जैसे मेरा एक छोटा सा एग्जांपल है मलेरिया। अब मलेरिया जो है कुछ डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा ये है, जैसे आपका बहुत सारा गुमला, लोहरदगा, चाईबासा जो उस तरह का बेल्ट है, और बहुत सारे ऐसे बेल्ट हैं जहाँ उनका प्रकोप कम है। तो हम लोग अगर डिस्ट्रिक्ट बेस्ड जो बीमारी जिस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा हो, अगर उसके आधार पर अगर हम बनाएं, उनका एलोकेट करें बजट को और उस हिसाब से हम चिन्हित करके डिस्ट्रिक्ट में अगर काम करें तो वो आएगा। जैसे सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया वो आदिवासी बेल्ट्स जो हैं वहाँ इनका जो है वैसे केसेस ज़्यादा पाए जाते हैं। तो पहला तो सुझाव मेरा ये है। दूसरा जो सुझाव मेरा है वो है कि अभी जैसे बता रहे थे राजेश जी, उसमें थोड़ा सा मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे चिकित्सा कर्मी, पैरामेडिकल्स, डॉक्टर्स, इनकी बहुत ज़्यादा कमी है। तो जब तक इनकी कमी को हम पूरा नहीं करेंगे, तब तक हम एक तो बजट का जो है खर्च करने का, या हमारा जो भी प्रोग्राम है जिसको सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक हम अगर ले जाने की कोशिश करेंगे, तो हमारे जो है वर्किंग हैंड्स वही हैं, तो उनके संबंध में हमको काम करना पड़ेगा और उस तरह उस पर जो है हमारा ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। तीसरा जो है वो जैसे सर का भी राय रहता है और हमारे जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उनका भी है कि, और अभी जैसे उन्होंने मेंशन किया कि मैक्सिमम बेनिफिट, तो मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम बेनिफिट वहाँ पर पहुँचना चाहिए जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा जो है बहुत कम है। तो उसमें सबसे ज़्यादा है ग्रामीण क्षेत्र, और ग्रामीण क्षेत्र में हमारे लोगों को कैसे मैक्सिमम बेनिफिट मिले उसको ध्यान में केंद्रित करते हुए अगर हम बजट बनाए तो वो हमारा जो है वो उसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचा सकते हैं। चौथा जो मेरा सुझाव है कि बहुत सारे चीज़ जो हमारे टेस्ट के हैं, चाहे वो अल्ट्रासोनोग्राफी हैं, सीटी स्कैन है, या इस तरह के बहुत सारे संबंधित जो उपकरण हैं, उनको हम हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जैसे कि मैडम ने अभी सर्वाइकल कैंसर के संबंध में सुझाव अभी दे रही थी, तो उस तरह के और सारे भी इंस्ट्रूमेंट जो है हम डिस्ट्रिक्ट लेवल में लगाएं, ताकि हमारे चिकित्सक जो है मैक्सिमम जो है वो वहाँ पर ही वो रोगों का के संबंध में जो है वो जानकारी हासिल कर सके, उनको टेस्ट करा सके और उनका इलाज संभव है। और चौथा मेरा जो सुझाव है वो है कि बहुत सारे फंड्स हमारे आते हैं सर, जैसे पीपी मोड में, जो पीपीआई मोड में आता है, एनआरएचएम में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आता है, सरकार हम लोग सरकार ईमानदारी से प्रयास करती है, सारा चीज़ होता है, लेकिन हम कहाँ चूकते हैं कि उनका मॉनिटरिंग जो है सर, उनका मॉनिटरिंग हम, मैं समझता हूँ कि अगर मंथली नहीं हो तो दो महीने पे ज़रूर मॉनिटरिंग हो। जैसे कि हम एनआरएचएम में अगर 14,000 करोड़ का अगर बजट हमारा है, तो वो कैसे हम उसको मैक्सिमम हम उसका उपयोग करें, यूटिलाइज़ करें, ये इस पे ये मेरा एक सुझाव है। तो इन्हीं सब सुझावों के साथ, और एक लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि जो मैं बार बार कहता भी आया हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मॉनिटरिंग सेल, जो मॉनिटरिंग की मैं अभी बात कर रहा था, तो मॉनिटरिंग सेल जैसे सर का भी सुझाव था कि आप अपने क्षेत्र में बहुत सारे डॉक्टर्स का जो है अनुभव 40 साल का है, 30 साल का है, 50 साल का है, तो उस क्षेत्र के बारे में उनको ज़्यादा जानकारी रहती है कि कौन सी बीमारी है और कैसे हम अपने हेल्थ का जो हमारा आ रहा है उसको कैसे हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें। तो कमिटी ज़रूर बनाइए, मॉनिटरिंग कमेटी, जिसमें आपके जो पदाधिकारी, चाहे डिप्टी कमिश्नर, सिविल सर्जन, ये तो रहें ही, लेकिन उस डिस्ट्रिक्ट के जो प्रतिष्ठित और जानकार जो चिकित्सक हों
और जैसे IMA और झांसा जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके मेंबर रहे और उनकी भी जो है समय समय पर बैठक होती रहना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं कि हम लोग को एक मौका दिया गया। मैं डॉक्टर PK गुप्ता, पहले एक्स चीफ ऑफ मेडिकल सर्विसेज थे कोल इंडिया में, अभी हम आर्किट में चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं। हम लोगों ने बहुत स्कूल में जाकर के हेल्थ से स्क्रीनिंग किया और बहुत से बच्चों को देखा, तो ये महसूस हुआ कि शिक्षा का बहुत अभाव है और हम लोग जब तक लोअर लेवल से शिक्षा को नहीं देंगे हेल्थ के बारे में, जब तक पेरेंट्स भी नहीं जागरूक होंगे, जब तक वो लोग जांच नहीं कराएंगे और जब तक आगे नहीं आएंगे, तो इस तरह जो है बहुत सी चीज़ें बच्चों में छूट जाती हैं। तो एक राय है कि एक हेल्थ कार्ड बनाया जाए, जितने भी बच्चे एडमिशन के लिए आते हैं, अभी स्कूल खुलेंगे और एडमिशन हर साल होते हैं, तो हर स्कूल को कंपेल किया जाए कि उनको सारे बच्चों के हेल्थ कार्ड उनके पास रहें और रिकॉर्ड्स रहे, एटलीस्ट क्वार्टरली जो है उनका हेल्थ जो है एग्जामिन किया जाए, चाहे NGOs के द्वारा, चाहे IFP के थ्रू, और या फिर जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं वो क्वार्टरली जाएं और उसको रिव्यू करके उसमें एंट्री करें। और जो बच्चे बीमार हों, ऑलमोस्ट 30% बच्चे जो सरकारी स्कूल में हैं एनीमिया के से ग्रसित होते हैं, कुछ को ट्यूबरकुलोसिस होता है, और फिर पेरेंट्स को बताया भी जाता है तो पेरेंट्स टर्न अप नहीं होते हैं। तो इसमें प्रिंसिपल का भी सहयोग चाहिए, स्कूल के सारे प्रिंसिपल का सहयोग चाहिए और मॉनिटरिंग होनी चाहिए। आजकल तो ऑनलाइन सारी चीज़ों को एंट्री किया जा सकता है, तो एक डाटा एंट्री ऑपरेटर हो जो इन चीज़ों को करे और झारखंड गवर्नमेंट में उसको सेंट्रलाइज कर दिया जाए कि कितने बच्चे प्राइमरी स्कूल तक हैं, कितने बच्चे हाई स्कूल तक हैं और कितनी लड़कियां हैं, फिर उनका एडोलेसेंट एजुकेशन के लिए एक अलग से अपॉइंट किया जाए। तो इस चीज़ की मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, तब जाकर के हम लोग उसको जो है उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड कर पाएंगे। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर, हेलो, एक ये डॉक्टर प्रदीप, आप भी अपना सुझाव हमको जो पॉइंट है वो लिख के हमको अपने नाम और नंबर के साथ दे दीजिएगा। और प्लीज़ यदि गुप्ता जी आप भी कुछ जो सुझाव आपने दिया है तो वो अपने नाम और नंबर के साथ यदि 4 लाइन लिख दें तो हम लोगों के लिए और बेहतर होगा। जी जी बताइए प्लीज़। मेरा नाम डॉक्टर अजय कुमार सिंह है और मैं IMA का स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ, पूर्व में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष IMA का रहा हूँ। बहुत बहुत बधाई माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कि आपने इस तरह की बैठक बुलाई, स्वास्थ्य सचिव जी आपका भी आभार कि आप लोगों ने बजट के पहले हम लोग को राय के लिए बुलाया है। कोई भी कार्यक्रम या प्रोग्राम हम लोग जब बनाते हैं तो ये पहले सुनिश्चित कर लेना है कि अगर बना तो लिए इसको इम्प्लीमेंट हम कितना हद तक कर पाएंगे। बनाना बड़ा आसान है, इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम सुदूर एक तो बिहार ही पिछड़ा राज्य था, बिहार का भी पिछड़ा हिस्सा छोटा नागपुर था जो कि झारखंड बना है। आज भी बहुत से प्रखंड ऐसे हैं जहाँ न चिकित्सक जा पाते हैं या अगर जाने का हम लोग भेजते भी हैं तो शायद रह नहीं पाते हैं कारण जो हो। तो कहना है कि हमको कहीं पर भी कोई इंसेंटिव हमको कर लेना होगा कि ये कि जिसमें वो जाएं, हम लोग एक तरह का पैटर्न उसको इंसेंटिव देने की बात जो है, बगल में का राज्य है उड़ीसा जहाँ पर कि एक जो सुदूर अति पिछड़ा उसमें ये लोग सैलरी इन्हांसमेंट है इन टर्म्स ऑफ 25%, 50% एंड 75%, जिससे कि उससे वो प्रोत्साहित होकर के जाते हैं। 3 साल के बाद उनको हम लोग ऑप्शन देते हैं कि उसका उनको जो चॉइस है जहाँ चाहें उसके बाद वो पोस्टिंग करवा सकते हैं, लेकिन ये भी हम लोग इंश्योर करते हैं कि खाली उनको सैलरी हाइक नहीं हो, वो रहें भी,
इसके लिए हम लोग उसका मॉनिटरिंग करते हैं और ईसा बहुत प्रैक्टिकल तरीके से उसको कर रहा है, चूँकि मैं उससे संबंधित था वहाँ उस प्रोग्राम से। दूसरा कि सर 80% पहला तो ये है कि हमारा वहाँ तक जाए तब कार्यक्रम मेरा सब पहुँच जाएगा और इफेक्टिव हेल्थ केयर डिलीवर हो जाएगा। सेकंड, हमारा 80 से 85% प्राइवेट सेक्टर में हम लोग इलाज दे रहे हैं और सरकार को इसका लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दे रहे हैं ताकि सरकारी संस्थानों पर ओवरलोड न हो। लेकिन कुछ ऐसा है कि हमको एक इंस्टीट्यूशन में काम करने के लिए कम से कम 25 से 27 लाइसेंसेस लेना पड़ता है। हम लोग शुरू से कह रहे हैं बजट में इस तरह का प्रावधान या विभाग में ही कोऑर्डिनेशन का एक विंग बना दिया जाए जिसमें कि सिंगल विंडो सिस्टम हम लोग कर सकें, कि हमको जो खोलना चाहता राजेश जी का रानी चिल्ड्रन है, मेरा अपना अस्पताल है, भारती जी का अपना अस्पताल है, तो वहाँ पर 27 से 29 हर रोज एक इंस्पेक्टर पहुँच जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि सिंगल विंडो अगर नहीं होगा सर, कोई भी हमारे यहाँ आकर के नया एंटरप्रेन्योर नहीं आएगा, सिंगल विंडो करना ही पड़ेगा। इसके लिए इंटर लाइसेंसिंग कोऑर्डिनेशन के लिए एक विंग बना दिया जाए स्वास्थ्य विभाग में। हम अप्लाई करें, अगर उसमें ये करते हैं हमको अलाउ कीजिए, नहीं करते हैं हमको रिजेक्ट कीजिए। तीसरा है सर कि हम लोग डिलीवरी कर रहे हैं आपके टर्म पर, आप रेट फिक्स करते हैं आयुष्मान का, आप दूसरे का फिक्स करते हैं, ESI का करते हैं, लेकिन हमको सर टैक्स देना पड़ रहा है अपने बिल्डिंग का कमर्शियल, हमको टैक्स देना पड़ रहा है अपने बिजली का कमर्शियल, हमको जो भी दूसरा जो भी चीज़ है वाटर का है, हर चीज़ का जल थल मल जो भी चीज़ है सबका टैक्स देना पड़ता है कमर्शियल, लेकिन हमको डिलीवर करना है कंसेशनल। इसके पहले भी हम लोगों ने बजट के पहले इस बात को रखा था कि सरकार का ठीक है एक रेवेन्यू जनरेशन का यूनिट है, लेकिन अस्पताल ही रेवेन्यू जनरेशन का हो कि उनको कॉरपोरेशन का टैक्स भी कमर्शियल लगता हो, उसका जो पानी का टैक्स भी हो, बिजली का भी बिल कमर्शियल लगता हो, लेकिन वो डिलीवर करे, हम जो रेट फिक्स करें सरकार के, जो हम लोग कर रहे हैं फॉलो कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत होती है सर, काफ़ी दिक्कत होती है। और एक ऐड करना चाहूँगा अंत में कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और स्वास्थ्य सचिव जी काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं विभाग में और इस माइन्यूट तरीके से कि लोगों का राय ले लें बजट के पहले, तो इतना ये हो कि जो भी पीपी बोर्ड में प्रोग्राम चल रहा है उसका पेमेंट का भी सर ऑडिट हो, कि ये नहीं कि 2 साल 3 साल हो जा रहा है, कहीं पर इन बिटवीन लिंकेज कुछ हो रहा है, कभी होता है कि सर्वर डाउन हो गया, तो कहीं पर हम चाह के भी अच्छा, सरकार की भी नीयत ठीक है, हमारी भी नीयत ठीक है, लेकिन जो लाभुक है उसके पास शायद सही लाभ नहीं पहुंच रहा है, और कहीं बिचौलिए उसमें कहीं खेल खेलने लगते हैं कि सर कुछ करवा दीजिए तो दिलवा देंगे। उस चीज़ को बंद करने का एक ही उपाय है कि विद इन 24 आवर्स पेमेंट जो है, अगर जो क्लेम गया है अगर हो जाता है, चूँकि सरकार के पास पैसा है, हमने काम किया है, कोई गलत नहीं मांग रहे हैं। और पहले एक प्रावधान झारखंड में ही था कि हमें कॉर्पस जिसका कि रेप्यूटेड है, जैसे रानी चिल्ड्रन है, चाहे बाहर की कश्यप आई हॉस्पिटल है, चाहे जो भी अस्पताल है जिसका, उसके पास एक कॉर्पस फंड सरकार दे देती थी और उसके बाद उसका जो ये रिपोर्ट ले लेती थी कि आपका कैसे यूटिलिटी रिपोर्ट क्या हुआ, वो पैसा को कैसे खर्च किए, तब दूसरा कॉर्पस फंड उसके पास रिजर्व में रहता था, जिसके सबसे होता क्या था कि पैसे की कमी के कारण काम नहीं रुकता था। बोलने के लिए तो बहुत था सर, लेकिन आज आप लोगों ने मौका दिया, मैं उसका आभारी हूँ और धन्यवाद। नमस्कार सर, मैं राहुल मारू, महासचिव फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। सर्वप्रथम सर चेंबर की ओर से आपको एवं माननीय स्वास्थ्य सचिव श्री अरुण
कुमार सिंह जी को धन्यवाद इस अनोखी पहल के लिए। सर, चेंबर के तरफ से कुछ सुझाव हैं बजट में। सर, कोविड अवधि के दौरान जो अपने फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मी एवं जो पैरामेडिकल स्टाफ्स थे, जो कोरोना के इलाज के दौरान जिनकी दुर्भाग्य से मृत्यु हो गई थी, तो उनके मुआवजे की राशि का बजट में प्रावधान होना चाहिए। और सर, जो दिल्ली सरकार की तर्ज पर इस राज्य में भी मोहल्ला क्लिनिक का स्थापना हो, जिससे कि सरकारी डॉक्टर और गैर सरकारी संगठन, इच्छुक निजी संस्थान वहाँ अपनी सेवाएं दे सकें। एक सर, अन्य राज्यों में जैसे दिल्ली, तमिलनाडु और साउथ में जो राज्य हैं, वो लोग जो ब्रेन डेड जो हो जाते हैं, उनके अंग को हम लोग जो उनके और जो उनके अंग जो स्वस्थ हैं, उनके दान का एक कवायद शुरू करना चाहिए, जो स्वेच्छा से अपने अंग को दान कर सके, जिससे अन्य किसी की लाइफ बचाई जा सकती है। सर, एक जो हाईवे में जो एक्सीडेंट्स होते हैं, उस पर एक सुझाव है सर कि हर 50 किलोमीटर पे एक अस्पताल हो जिसमें ट्रॉमा सेंटर के स्थापना हो, जिस पे कुछ इनिशियल जो भी इलाज हो सकता है, सो दैट कि अगर किसी को रांची या अन्य शहर आना है तो वहाँ पर भी हम लोग उनकी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करके वहाँ पे भी उन लोगों की जान हम लोग बचाने का काम कर सकते हैं। सर, निजी अस्पतालों, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ बिजली की निरंतर आपूर्ति नहीं है, वहाँ पे 50% सरकार सब्सिडी के साथ सोलर पैनल की स्थापना हेतु बजट में इसका प्रावधान सरकार को करना चाहिए। सर, रांची, जमशेदपुर एवं बोकारो सदर में कैथलैब की सुविधा प्रारंभ होनी चाहिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं पब्लिक स्वास्थ्य केंद्र में टेलीमेडिसिन की सुविधा आरंभ होनी चाहिए, जो कोविड काल में ये चल रहा था, तो उसको दोबारा आप कंटिन्यू करें। यही सर एक कुछ सुझाव हैं, तो ये मैं आपको सर दे देता हूँ। गुड इवनिंग सर, मैं डॉक्टर विनोद कुमार, सिविल सर्जन रांची। सर, मैंने पहली बार जब मेरे यहाँ अस्पताल में सर लोग आए थे, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और आदरणीय स्वास्थ्य सचिव सर, तो उस समय भी मैंने कहा था कि जो मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना है, उसमें एक दो बीमारियों को ऐड करने की ज़रूरत है। उसमें मैंने कहा था सर कि थैलेसीमिया, जिससे काफ़ी बच्चे पीड़ित हैं यहाँ पर ट्राइबल एरिया में, और मैक्सिमम बच्चों का जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन और कॉम्पैक्ट सेल का जो ट्रांसफ्यूजन होता है, मेरे हॉस्पिटल में होता है। और मेरे यहाँ जब सदर अस्पताल में ब्लड कंपोनेंट यूनिट भी बनकर तैयार हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में मैं चाहूँगा सर कि मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना में जो चार बीमारियाँ हैं, उसके अलावा थैलेसीमिया और हार्ट डिजीज़ को भी ऐड किया जाए, ताकि जो उसके बच्चे आते हैं वो परमानेंट क्योर के लिए थैलेसीमिया का अगर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करना हो, तो अभी कुछ बच्चे चिन्हित किए गए हैं, 14 बच्चे लगभग, और उनका CCL का एक बड़ा योगदान उसमें रहा है, उन्हें 10 लाख प्रति बच्चे उन्होंने दिया है। और अगर मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना में हम लोग उनको दे सकें, तो 15-16 लाख में उनका ट्रांसप्लांट बेंगलोर के एक हॉस्पिटल में हम लोगों ने प्लान किया है, तो बड़ी सुविधा होगी। थैंक यू सर। Respected Honorable Health Minister and SES Sir, मुझे एक सिंपल सा सजेशन देना है कि जब छोटा डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ दूर है, रांची से काफ़ी दूर है, या बोकारो धनबाद से दूर है, उन डिस्ट्रिक्ट में बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम के लिए लोग उनका इलाज नहीं हो पाता है, जैसे कि एक्लेम्सिया, जो हाइपरटेंशन होती है प्रेगनेंसी के टाइम में, बहुत सारा रिपोर्ट्स हमारे पास है, रिपोर्ट है मतलब मुझे फ़ोन किया जाता है, तो उस तरह का छोटा छोटा बीमारी के लिए भी वहाँ स्पेशलिस्ट नहीं। और
इसको पूरा करने के लिए जब तक कि हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज नहीं बन जाता है, तो मेरा एक सुझाव रहेगा कि हर साल अगर 10 या 20 डॉक्टर्स का जो अच्छे इंस्टीट्यूशन है, जैसे आपका पीजी चंडीगढ़ हो या संजय गांधी पीजी हॉस्पिटल जो है यूपी वाला, इसके बाद एम्स हो गया, एम्स जोधपुर हो गया, आपका कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल भी है जैसे हैदराबाद में जो गोल्ड ब्लैडर से संबंधित है, तो कुछ कुछ डिपार्टमेंट में जैसे सर्जरी, जितना भी सर्जिकल डिपार्टमेंट है या जो फीमेल से रिलेटेड जो पेरीपार्टम से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है, जो डिलीवरी से संबंधित जितना भी प्रॉब्लम है, उसके लिए अगर हर साल हम 10 आदमी को, 10 डॉक्टर्स को एक साल का ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, तो इसके लिए अगर बजट रखा जाए तो हमको लगता है कि अगला 20 साल में या 15 साल में हम कुछ मैन पावर को, स्किल्ड मैन पावर को हम लोग डेवलप कर सकते हैं और वो हमारा काम आ सकता है। धन्यवाद। शुभ संध्या सर, मैं डॉक्टर राकेश चौधरी, मैं कार्डियक सर्जन के तौर पे रिम्स में पिछले 4.5 साल से योगदान दे रहा हूँ। हमारे कुछ बेशकीमती सुझाव इस प्रकार से हैं। आयुष्मान भारत जैसी इंश्योरेंस मध्यम वर्ग के लिए भी होनी चाहिए या फिर झारखंड की सभी जनता के लिए होनी चाहिए, जिसका प्रीमियम झारखंड की जनता खुद निर्वहन कर सकती है या सरकार निर्वहन कर सकती है, या अगर व्यवस्था झारखंड के सभी लोगों के लिए हो जाए तो कागजी कार्रवाई बहुत कम करने की आवश्यकता होगी और सभी के लिए इलाज सुगम हो जाएगा, प्राइवेट और सरकारी दोनों ही संस्थानों में। दूसरा है सो, सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान भारत की इंसेंटिव समय पर वितरित की जानी चाहिए, जिसमें हमने प्रावधान देखा है कि आयुष्मान भारत से उपलब्ध कराई गई राशि का 25% जो टीम इस आयुष्मान भारत के तहत इलाज करती है उसके बीच वितरित होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे सरकारी अस्पतालों में ये व्यवस्था नहीं है, पर्टिकुलरली रिम्स में आज तक ऐसा कोई वितरण नहीं हुआ है। तीसरा है सो कि सदर अस्पताल रांची में सुपर स्पेशलिटी की वो कार्डियक और कार्डियोथोरेसिक विभाग की स्थापना की जानी चाहिए, रिम्स के कार्डियो और कार्डियोथोरेसिक विभाग के सदस्यों को इसकी जवाबदेही दी जानी चाहिए, जिस तरह हमने रिम्स में कार्डियक एंड कार्डियोथोरेसिक विभाग को अपने चरम तक पहुंचाया है, उम्मीद करेंगे अगर हमें यह दूसरा मौका मिलेगा तो हम सदर अस्पताल में भी यही व्यवस्था उम्दा किस्म से लागू करेंगे। चौथा है सो, निजी मेडिकल कॉलेज को बढ़ावा मिले और हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज का सरकार का लक्ष्य हो, अलग अलग ज़िले के अस्पतालों को जहाँ मेडिकल कॉलेज खोलने की आवश्यकता है वहाँ के निजी अस्पतालों को इसमें प्राथमिकता दी जाए। रिम्स व अन्य मेडिकल कॉलेज व अन्य जिला अस्पतालों में सरकार की फार्मेसी की दुकान होनी चाहिए। ऐसा हमने डे टू डे प्रैक्टिस में देखा है कि पेशेंट जब ओपीडी में दिखा लेते हैं तो उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती है हमें दवा कहाँ से मिलेगी। ऐसी व्यवस्था अगर सरकार के तरफ से होगी तो इसमें आमजनों का बहुत ही फायदा होगा और सरकार के लिए भी ये दूरगामी प्रभाव लाभदायक होगा। और अंतिम सर, रिम्स के चिकित्सकों को भी अन्य मेडिकल कॉलेज की तरह निजी प्रैक्टिस की छूट अपने कर्तव्य स्थल पर अपनी ड्यूटी आवर्स के बाद मिलनी चाहिए, जिससे वह सम्मान के साथ झारखंड की गरीब और आम जनता का को बाहर भी देख सकें। धन्यवाद सर। Good evening, everyone. The members, respected members sitting on the dais and off the dais. मैं डॉक्टर अर्चना पाठक, गायनोकोलॉजिस्ट, मेडिकल डायरेक्टर ऑफ MDLM हॉस्पिटल बूटी रांची। सबसे पहले मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी का, जिन्होंने इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और सर, मैं ये बात कहना चाहूँगी कि सरकार अपने स्तर पे तो बहुत अच्छा काम कर रही है सर्वाइकल कैंसर के लिए, बट अगर हम इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल को भी इंक्लूड करें तो मुझे लगता है कि हम लोग काफ़ी स्पीडली इसमें अवेयरनेस फैला सकते हैं और इसमें वैक्सीनेशन का भी प्रावधान है जिसमें हम लोगों तक पहुँच सकते हैं।
और दूसरी सर, सब लोगों ने यहाँ पे कहा, सारे डॉक्टर्स ने, लाइक हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो अगर हम हेल्थ केयर वर्कर्स को, जो अगर हमारे पास कमी है, बट अगर हम उनको प्रॉपरली स्किल्ड करें तो हम उससे काफ़ी बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिटवीन द डॉक्टर्स एंड द पेशेंट्स। तो अगर हम उनको कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ही कराएं, या फिर कुछ प्रोग्राम उनके लिए ऑर्गेनाइज करें या कैंप्स करें, ताकि उनका एक ओरिएंटेशन हो और पेशेंट का भी बेनिफिट हो, तो दैट विल बी वेरी गुड। धन्यवाद। नमस्कार सर, मेरा नाम डॉक्टर सृष्टि प्रिया है और मैं हजारीबाग डेंटल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। सर, मेरा सुझाव होगा दंत चिकित्सा सेवाओं के तरफ। जो हमारे आयुष्मान भारत के थ्रू जो कार्ड हमें मिलता है, मरीजों को मिलता है, उसमें दंत चिकित्सा सेवाएं इंक्लूडेड हैं, लेकिन विशेष दंत चिकित्सा सेवाएं जैसे ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट हो गया या फिर कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट हो गया, उसको इंक्लूड किया जाए, खास तौर पे 18 साल से कम उम्र की बच्चियों के लिए, जिनमें ये ज़्यादा ज़रूरी होता है कई स्तर पे। दूसरा, जो स्कूल में हम बात कर रहे हैं कि हेल्थ कार्ड प्रोवाइड करने का, उसमें डेंटल चेकअप कैंप्स और डेंटल ट्रीटमेंट की भी सुविधाएं इंक्लूडेड हो। पोस्ट कोविड मरीजों का चेकअप कैंप्स ऑर्गेनाइज किया जाए, जिनमें हम जो मरीज रिकूप कर चुके हैं कोविड से, उनकी भी हम चिकित्सा देख सकें, कैंप करके उनको भी जाँच कर सकें। तो मेरा ये सुझाव होगा। धन्यवाद। गुड इवनिंग सर, माननीय मंत्री जी को मेरा प्रणाम, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सर को मेरा प्रणाम, हमारे सिविल सर्जन सर रांची उनको भी मेरा प्रणाम, सभागार में सभी उपस्थित लोगों को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर अजीत कुमार, ज्वाइंट सेक्रेटरी रांची आईएमए की तरफ से यहाँ पे उपस्थित हूँ। सर, दो तीन सुझाव जो हमारे हैं और रिक्वेस्ट भी है कि सर, मैं सदर अस्पताल रांची में पोस्टेड हूँ और सदर अस्पताल रांची एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में रखता है कि अगर हम चाहें तो वहाँ मेडिकल कॉलेज आसानी से डेवलप किया जा सकता है। जैसे पटना का एग्जांपल ले सर, तो पटना में 6 मेडिकल कॉलेजेस हैं, PMCH, नालंदा मेडिकल कॉलेज, IGIMS, एम्स बेटा, ESI हॉस्पिटल और एक प्राइवेट है सर, टोटल 6 है। जब एक राजधानी में 6 हो सकता है तो हमारी राजधानी में भी सर एक और मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत हमें महसूस होती है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, पेशेंट लोड भी है, थोड़ा सा एफर्ट करने पे सर वो पॉसिबल हो जाएगा। दूसरी बात सर, बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में DNB की पढ़ाई शुरू हुई है गायनी में, तो अगर DNB की पढ़ाई हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शुरू होती है तो हमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल होंगे सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए, जो कि दिन रात काम करेंगे। तो ये एक मेरा सर रिक्वेस्ट है। और तीसरा रिक्वेस्ट है सर कि स्किल इन्हांसमेंट, जो डॉक्टर सरकारी सेवा में है उनको स्किल इन्हांसमेंट के लिए अगर हम अपने नज़दीक के किसी मेडिकल कॉलेज में अटैच कर सके, जैसे कोई नई ERCP का टेक्निक सीखना है, जब मैं रिम्स में था तो ERCP उस समय नहीं सीख पाया था, अगर ERCP हमारे रिम्स में होता है, वो टेक्निक अगर 10 दिन 15 दिन का ट्रेनिंग देके हमने सिखा के फिर से वापस सदर अस्पताल भेजा जाए, तो हम सदर में भी वो काम करके, जैसे लैप्रोस्कोपी मैंने सर रिम्स में सीखा, तो वो सदर अस्पताल रांची में मैं सेवा दे रहा हूँ, तो उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। तो अगर स्किल इन्हांसमेंट का भी ऐसा कोई प्रावधान हो जाए कि हम अपने डॉक्टरों को जो स्पेशलिस्ट है उनको फर्दर साल, 2 साल 3 साल में बेच के स्किल इन्हांसमेंट करवा के आम जनता के बीच दोबारा उनको लाकर उसका फ़ायदा लोगों तक पहुँचा पाए। थैंक यू। यहाँ पर उपस्थित मंत्री महोदय, हमारे डॉक्टर, सभी स्वास्थ्य विभाग के सभी स्वास्थ्य विभाग के लोगों को हम सहिया बहनों की ओर से नमस्कार। हम सहिया गांव में काम करते हैं अपने अपने गांव में। मेरा नाम सरिता देवी है और हम एक सहिया साथी हैं। हमारे बीच में 24 सहिया हैं। हम 4-5 गांव में घूम कर काम करते हैं और उसके आधार पर हम सहिया बहनों को तो बहुत कम मानदेय मिलता है, लेकिन उस पर भी हम लोग
काम नहीं छोड़ते हैं करने के लिए। इस कोरोना काल में हम सभी सहिया बहने जब घर से कोई नहीं निकलता था तब हम लोग घर घर जाके सबों का हालचाल पूछते थे, किसी को सर्दी खांसी है, किसी को कुछ है, सब हम लोग घर 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 जा जाके काम करते थे। और हमारे दूसरे राज्य में जैसे हरियाणा हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, छत्तीसगढ़ में तो सहिया दीदी के बच्चों को यदि वो पढ़ाई करना चाहते हैं डॉक्टर नर्स तो उसके लिए स्कॉलरशिप मिलता है और सहिया के बच्चों को फ्री में होता है पढ़ाई। तो क्या सर हम लोगों के यहाँ हम लोगों के बच्चे के लिए कुछ ऐसा प्रावधान हो सकता है सर? और हरियाणा में सहिया बहनों को आशा वर्कर को 10 से 14 हज़ार तक पेमेंट मिलता है, मतलब मानदेय मिलता है सर, हम लोग को यहाँ क्या उसका कुछ आधा भी नहीं मिल सकता है सर? और हम लोग जो गांव में चार पांच गांव घूमते हैं सर, तो कोई 7 किलोमीटर दूर 5 किलोमीटर दूर तो हम लोग को जाने में बहुत दिक्कत होता है सर, तो उसके लिए कोई यदि दुपहिया वाहन यदि मिल सकता है तो हम सहिया बहनों की ओर से बहुत आपका आभारी रहेंगे। और हम लोग को हर तरह का रिपोर्ट देना पड़ता है सर, जैसे गाँव में कुछ भी काम होता है तो हर चीज़ हम लोग को मोबाइल पर रिपोर्ट देना पड़ता है, तो सभी सहिया बहन इतने सक्षम नहीं हैं जो कि बड़ा मोबाइल खरीद सके, तो हम लोग यदि हो सकता है तो चाहते हैं कि एक बड़ा मोबाइल भी हम सभी सहिया बहनों को मिले तो हम बहुत आभारी रहेंगे उसके लिए। और हम लोग बहुत से ऐसे काम करते हैं सर, जैसे गांव में एक गर्भवती पर ही काम करते हैं तो उसका जेसवाई जो हम लोग उसको हॉस्पिटल तक ले जाते हैं संस्थागत प्रसव के लिए, उसमें हम लोग को पहले तो 350 मिलता था सर, उसमें 50 रुपया का कटौती होके 300 रुपया हो गया है, तो क्या सर वो 350 हम लोग को नहीं मिल सकता है? 500 हो सकता है कि 300 हो सकता है तो सर लोग ही बताएंगे सर। और हम सभी सहिया बहनों की ओर से बस इतना ही कहना चाहते हैं सर, नमस्कार। सबों को यहाँ पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी और विभाग के जितने भी अधिकारी हैं और जितने भी उपस्थित यहाँ पे सभी जन हैं, मैं उनको सादर नमस्कार, जय झारखंड जय जवाहर सबको बोलती हूँ। मैं NM हूँ, अनुबंध स्वास्थ्यकर्मी, अंजलिना खाका, नामकुम CHC। सर मेरा कहना ये है कि हम लोग अनुबंध में आज 15-16 साल से मानदेय पे काम कर रहे हैं। सर हम लोग का एक वैकेंसी भी आया 2019 में, सर उस वैकेंसी को रद्द कर दिया गया। सर हम लोग इतने कम मानदेय पे इतने साल से हम लोग सर्विस दे रहे हैं, लोगों को सेवा दे रहे हैं, खासकर इस कोरोना में सर हम लोग अपने जान जोखिम में डाल के सर हम लोग इस कोरोना काल में सेवा दिए, लेकिन उसके बदले में सर हमें हम सरकार से अपेक्षा रखे कि हमें नियमित किया जाएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश सर दुख की बात ये लगता है कि हमारे वैकेंसी क्यों ही रद्द कर दिया गया। तो सर हम कब तक इस तरह चले जाएंगे? हमारा उम्र भी गुजर रहा है सर, अगर आज वैकेंसी भी अगर आती है सर, हमारा उम्र 47 हो गया, सर हम कितना सर्विस करेंगे और अपने बच्चों को सुरक्षित कर पाएंगे? सर इस कोरोना महामारी में हमने हमारी बहनें जो एक माँ है वो गुजर गई, एक पति खो गई सर, उनके लिए कुछ भी नहीं मिला। सर बताइए हमारी स्थिति कितनी दयनीय होगी। मात्र हमें मानदेय पे 15,000 रुपया मिलता है, जो आरोपी हमें मिलता है सर मात्र 5% बढ़ता है, जबकि औरों का आरोपी या मानदेय बढ़ता है तो 12%, 10%, 25% तक बढ़ता है। तो हम मानव सेवा कर रहे हैं सर, मानव सेवा करने का हमें ये एक छलावा मिलता है सर, बताइए हम कैसे अपने आप को संभाल पाएं और लोगों की हम सेवा करें।
सर मेरा कहना सर यह है कि हमें सर नियमित किया जाए कम से कम। आपकी आपकी बात को हम लोग समझ रहे हैं लेकिन अब इतना लंबा नहीं उसको टू द पॉइंट समझ सर, रहे हैं मेरा, बात को। मेरा सर रिक्वेस्ट यही है कि हमें नियमित किया जाए सर लेकिन बात यहाँ विभागीय सर सर मेरी बात को सुनी जाए सर हम इतने दुखी हैं सर हमसे तो ना ही स्वास्थ्य मंत्री मिलने चाहते हैं और ना ही मुख्यमंत्री मिलना चाहते हैं सर आप हमें बताएं कि हम तो कहाँ जाएं सर सर हम कहाँ जाएं हमें ये बताइए सर हम आज मंत्री तो मिलते ही हैं आप लोगों से लेकिन सर हमें बताइए आप एक भाई हैं सर सर हम सिस्टर बोले जाते हैं सर हम सिस्टर का मायने क्या होता है सर भारत देश का एक संस्कृति है भाई बहन का संबंध रक्षा बंधन होता है सर हम राखी बांधते अपने भाई को अपनी लाज बचाने के लिए लेकिन स्थिति आज मेरी ये है सर कि हम अपना लाज नहीं बचा सकते हैं सर हम रिक्वेस्ट करते हैं सर हमें नियमित किया जाए सर आपकी बात को हम लोग सुन लिए हैं कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा थोड़ा पेशेंस रखिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री को आदाब पूरे इस खास अधिकारियों को और चंद आम लोगों को भी आदाब दरअसल NHRM में मेरा नाम नदीम खान हुआ हम जन स्वास्थ्य पर विशेष करके ब्लड पर काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम है लहू बोलेगा जो एक सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन है पहली बार NHRM में आना हुआ जो हेल्थ का हेडक्वार्टर है और हेल्थ के हेडक्वार्टर का अभाव ये है कि जहाँ लोग रहते हैं वहाँ के बारे में सोचना समझना ना के बराबर होता है अभी यहाँ अधिकतर खास लोग बैठे हुए हैं कोई डॉक्टर हैं कोई अधिकारी हैं हम चंद लोग हैं जबकि संख्या इसकी ज़्यादा होनी चाहिए थी क्योंकि सबका बजट की बात कर रहे हैं यहाँ आ रहा है दरअसल राय और स्वास्थ्य मंत्री जी जो बहुत बेहतरीन पहल किए हैं आज भी उनकी सुबह में जन सुनवाई थी उसमें हम लोग भी गए हुए थे 11 सूत्री डिमांड को लेकर तो आशा उम्मीद करते हैं कि उसका नतीजा आएगा यहाँ दरअसल देखिए बजट की बात बिल्कुल कम हो रही है यहाँ लोगों की पीड़ा ज़्यादा आ रही है इसका मतलब ये हुआ कि आपके रुकिए ना बोलने दीजिए ना आपके इसका मतलब ये हुआ कि आपके अधिकारी जो है असंवेदनशील हो चुके हैं वो सुनना नहीं चाहते हैं लोगों की पीड़ा अनगिनत लोग ऐसे हैं जो अपनी अपने बात को रखे हैं मेरी भी उसी में पीड़ा है दो मैं नीतिगत और ओरिएंटेड बात करूँगा क्रियान्वयन से संबंधित अभी आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है ऑलरेडी आप सब जानते हैं इस कोरोना काल में इस पूरे प्राकृतिक या आपदा में जिस तरह से सामने हम लोग फेस किए हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई फेस किया है तो वो है सलम इलाका और उसमें भी आपका अल्पसंख्यक भाई वो एक ख़ास पीड़ा जो है वो सामने ले कर रखा कि उसके यहाँ एक PHC तक नहीं है हॉस्पिटल तक नहीं है और वो माननीय संवेदना इतनी कटु हो चुकी थी जो हम लोग झेलते समझते हुए आए हैं अभी रांची का मैं 3 उदाहरण दूंगा जिसमें सिंपल सा एक है सबसे बड़ा सलम इलाका जहां अल्पसंख्यकों की बस्ती रहती है उसका नाम है हिंदपड़ी लोअर बाज़ार इलाका आज़ाद बस्ती आज़ादी के बाद से यहां एक PHC CHC तक नहीं है इसके अलावा चुटिया जैसे भी इलाके हैं पुंदाग जैसे इलाके ये सामने हैं दूसरा आपका ये है कि इस मानवीय पीड़ा में जो संबंधित अधिकारी को जो संवेदनशील होकर के करना चाहिए वो नहीं है सबसे एक बड़ा अजीब विचित्र टाइप का भी मामला है कि जो ब्लड से संबंधित मामले देखने वाले प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर भुवनेश प्रताप सिंह है झारखंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी के उनके पास हम लोगों ने लास्ट ईयर ही कई सारे मामले रखे 11 पॉइंट पर
जिसमें पहला ये था कि इन हाउस पेशेंट को ब्लड जो है प्रोवाइड कराया जाए, जो खुद झारखंड सरकार के निधि खरे मैडम से लेके नितिन मदन कुलकर्णी तक के आदेश हैं वो लागू नहीं है ज़मीन पर। 29 महीने हो गए हैं ब्लड डोनर कार्ड बंद किए हुए, अभी डोनर कार्ड जो चालू है सिर्फ हम ब्लड देंगे तो मुझे ही ब्लड मिलेगा, पूर्व की भांति नहीं है। जैसे डोनर कार्ड अगर कोई डोनेट किया तो किसी को भी अगर ज़रूरत पड़ा तो डोनर कार्ड से वो जाके ब्लड ले सकता था, वो नहीं है, उसे चालू किया जाए। तीसरा आपका ये है कि जो ये जो हॉस्पिटल हैं खास करके प्राइवेट हॉस्पिटल कॉरपोरेट हॉस्पिटल, इनका आप ऑडिट एक बार ज़रूर कीजिए कि ये रिसर्च और ट्रस्ट सेंटर जो बना के रखे हुए क्या रिसर्च कर रहे हैं, क्या ट्रस्ट कर रहे हैं, थोड़ा उस पर आपका ध्यान होना चाहिए कि रिसर्च क्या किसी मरे आदमी को जिंदा कर दे रहे हैं या कुछ नया चीज़ ईजाद कर रहे हैं दवाओं का। और ट्रस्ट में आपकी स्थिति यह है कि इस पूरे कोरोना काल में हजारों करोड़ रुपया आप ही के पार्टी के प्रवक्ताओं ने ये बात रखी थी जिसमें हम लोग भी शामिल हुए थे, थोड़ा उनका भी खोज खबर लीजिए। ये पूरा बजट, ये पूरी जो सबकी राय है, 90% जो आम लोग आपके साथ हैं उन पर फोकस करिए, सरकारी मैकेनिज्म को मजबूत करने की तरफ जाइए, मेन बुनियादी ढांचाओं को मजबूत कीजिए, इन्हीं चंद बातों को हम लोग यहाँ रखने के लिए आए हैं। और ये 11 सूत्री डिमांड है जो हम फिर से आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके पास जो है इसका जाए और रिसीविंग के साथ हम लोगों को दिया जाए, जो उम्मीद करते हैं कि आपके इस जन सुनवाई के साथ साथ आम लोगों की बजट में जो लोगों की राय शुमारी हो रही है उसका कुछ नतीजा भी निकलेगा। और एक बार रिक्वेस्ट ये भी है कि अपने असंवेदनशील अधिकारी को जो पूरे स्वास्थ्य विभाग को धसाने की तरफ ले जा रहे हैं थोड़ा उस पर गौर जरूर करवाया जाए। धन्यवाद। नमस्कार सर, जोहार सर। स्वास्थ्य विभाग की पारदर्शी बजट में जो परामर्श लिया जा रहा है इसके लिए मैं सरदय स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी का, मैं झारखंड शिक्षित बेरोजगार फुटपाथ दुकानदार महासंघ जो अंतिम पावदान में रहते हैं, मैं उनके संघर्ष की बातों कर रहा हूं और उनके लिए बजट में समावेशी विकास समग्र विकास की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करा रहा हूं। माननीय मंत्री महोदय, आज जो फुटपाथ दुकानदार हैं वो कोविड काल में इतने संघर्ष होने के बावजूद भी दो चार लोग अगर बीमार पड़े तो उनके इलाज में आपने बहुत अच्छा योगदान दिया है, इसलिए मैं आभार प्रकट करते हुए चाइल्ड नीड्स एंड केयर प्रोटेक्शन की ओर ले जा रहा हूँ। जो आज बच्चे हमारे मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, रांची में बड़े लोगों का तो इलाज हो जाता है लेकिन 18 साल से नीचे बच्चे जो मानसिक रोगी हैं उनका कहीं भी इलाज नहीं हो पाता है। जो गरीब बच्चे हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए एक स्पेशल वार्ड मनोचिकित्सक बना करके दिया जाए ताकि वैसे बच्चे भी समाज के मुख्य धारा से जुड़ जाएँ और गरीब परिवार का भी उत्थान हो पाए। ये एक मेरा अपना मतलब आपसे अनुरोध होगा कि बजट में इसके लिए स्पेशल, जिस तरह से झारखंड में देश के लोगों को ध्यान रहता है कि वहाँ पे जाने के बाद हम मानसिक इलाज करा के आएंगे, तो बच्चों का मानसिक अस्पताल एक बहुत ज़रूरत है झारखंड में। खास करके माननीय मंत्री महोदय से मैं अनुरोध करूँगा कि झारखंड के समावेशी विकास की ओर सपान साकार स्वप्न झारखंड राज का देवों का बसेरा है, चलो जलाएं दीप वहाँ जहाँ सदियों से अधेरा है। झारखंड जिस के लिए बना आज उस मानसिक अस्पताल बन जाए एवं बच्चा हॉस्पिटल एक अलग बन जाए। ये प्राइवेट बच्चे हॉस्पिटल ज़्यादा रेवेन्यू ले रहे हैं, उनके इलाज गरीब बच्चों को नहीं हो पा रहा है। फुटपाथ दुकानदार, टेम्पू वाले, घरेलू कामगार, इन पे ये बजट के लिए विशेष फोकस किया जाए। उनको अगर 10-10 लाख का स्वास्थ्य कार्ड बना दिया जाए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत में सभी स्वस्थ हो जाएंगे और आपकी ये कृपा में ही जो आपके मंत्रित्व काल में होगा ये सुनहरे अक्षरों में अंकित होगा। मैं सामाजिक कार्यकर्ता कौशल किशोर इसी के साथ मैं धन्यवाद। सभी लोगों से निवेदन है कि थोड़ा टू द पॉइंट बात को करेंगे तो ज़्यादा, चूंकि काफ़ी लोग हैं अपना अपना सुझाव रखना चाहते हैं। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम डॉक्टर विकास है, मैं रिम्स JDA का प्रेसिडेंट हूं और साथ ही साथ न्यूरो सर्जरी विभाग में कार्यरत हूं। ऐसे रिम्स JDA के पास तो डिमांड्स बहुत हैं लेकिन मैं टॉपिक से भटकूँगा नहीं, आपके जो सुझाव है उस पर मैं कार्य करूँगा।
सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं सर कि एक जो पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा कमी है जिस पे आपके बजट का ध्यान होना चाहिए, सुपर स्पेशलिटी की कमी। अभी वक्त ये है कि हमें डॉक्टर नहीं, हमें बेस्ट डॉक्टर चाहिए और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर चाहिए, जबकि आपके रिम्स जो सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है उसमें मात्र 3 सब्जेक्ट में सुपर स्पेशलिटी की पढ़ाई होती है, उसके अलावा किसी विषय में पढ़ाई नहीं होती है। अभी आप किसी एक बंदे से पूछो जिनको पेट में कोई दिक्कत हो तो चाहेगा मुझे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाए, लेकिन हमारे पास सुविधा नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि आप उस पर थोड़ा ध्यान दें। दूसरा एक और है कि मतलब पता नहीं आपका जो बजट प्लान था, सपोज वो मुझे पता नहीं है तो मैं कहाँ पर हो सकता है वो आपने इम्प्लाई किया हो, मैं बता नहीं पा रहा हूँ। अगर वो हम लोग को पहले कुछ प्रोजेक्ट होता या फ्लैश के जरिए आपको समझा पाते तो हम लोग उस पर और अच्छा इम्प्लीमेंट कर पाते। फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि जो भी प्लान है उसमें मैक्सिमम सर ऑनलाइन मोड की एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बीच बीच वाले बिचौलियों से भी बचाएगा और पैसे को सही जगह पहुंचाएगा। साथ ही साथ अगर ऑनलाइन मोड को आप करो तो रिम्स में या आप रांची बैठे अच्छे डॉक्टर्स को पेरिफेरी तक सेवा दे सकते हो। एंड थर्ड एंड लास्ट पॉइंट सर, प्लीज़ मेक इट प्लान इजी। PMJY सर योजना है, जो आयुष्मान योजना है, इतना डिफ़िकल्ट है एक लोगों के लिए कि एक फॉर्म से भरकर उसको लास्ट में कुछ गरीब ऐसे होते हैं और हमारे यहाँ जो इलिटरेट पेशेंट हैं वो छोड़ के चले जाते हैं कि आयुष्मान नहीं लेना। इट्स सो डिफ़िकल्ट, सो प्लीज़ सर इस पर थोड़ा ईजी करने का ज़रूरत है कि आप कुछ ईजी बनाओ कि ताकि लोग उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लें, अदरवाइज पैसा तो रहा रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद मंत्री महोदय जो आपने हमें इस मौका दिया। हम कर्रा सोसाइटी ऑफ रूरल एक्शन से आए हैं और हमारा नाम गणेश कुमार सिंह हुआ। हम लोग जमीनी स्तर पर सोशल मोबिलाइजर का काम करते हैं। हम लोगों ने देखा कि जितने भी कुपोषित बच्चे हैं उनके जो परिजन होते हैं वो जाना नहीं चाहते MTC सेंटर। इसके लिए हमारा एक छोटा सा सुझाव होगा कि आप जो भी डॉक्टर हैं वो जैसे ममता वाहन चलती है उस तरह से छोटा सा एक जो है वाहन चलाएं जिस पे आप डॉक्टर से आंगनबाड़ी के थ्रू कंसल्ट करके जो है आप आराम से किसी भी बच्चे को कुपोषित होने से बचा सकते हैं। करना बस इतना होता है कि आप अपने डॉक्टर को आंगनबाड़ी में महीने में एक दिन भी देते हैं जो ANM देखती है उसके साथ साथ एक डॉक्टर भी देखेंगे तो उससे गर्भवती महिला कुपोषित बच्चों का जो भी ये होगा वो सब कुछ देख पाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ा लाभ होगा कि हम लोग जो एक MTC बच्चों के लिए 100 रुपया या जो भी देते हैं उसका बहुत कम हो जाएगा MTC सेंटर और खुद ब खुद उनके घर में जो होगा इलाज होगा। जो भी परिजन होते हैं MTC बच्चों के उनके 2 या 3 बच्चे होते हैं जिसके कारण वो जाना नहीं चाहते MTC सेंटर और उसका सबसे बड़ा खामियाजा होता है जो बच्चे सर्वाइव कर गए हैं कुपोषित हो गए हैं उनको वो चीज़ मिल ही नहीं पाता है जो उनको मिलना चाहिए था। इसे मैं मंत्री महोदय से प्रावधान करूंगा कि इस बजट में एक छोटा सा जो है कुपोषित बच्चों के लिए भी बजट लाएं जिससे उनका कुपोषण का दर कम हो झारखंड में। जी धन्यवाद। गुड इवनिंग रिस्पेक्टेड सर। सर आई एम डॉक्टर धनंजय राठौड़, आई एम एसोसिएट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन हजारीबाग। सर काफ़ी कुछ चीज़ों का जैसे लोगों का देखा है कि कुछ तरह से अफेक्टेड है, कुछ छोटे पॉइंट्स है जो दें। एक तो है सर सीनियर सिटीजन्स है जो आते हैं, हम जैसे अभी करंटली पोस्टेड है सदर हॉस्पिटल में तो वहाँ देखा है सर सीनियर सिटीजन्स आते हैं काफ़ी ऐसे हालत में रहते हैं कि वो चलने की पोजिशन में नहीं होता लेकिन उनको काफ़ी टाइम तक खड़ा रहना है। सर एक सिंपल सजेशन है कि बस उनके लिए एक अलग से प्रावधान हो कि एक स्पेसिफिक लाइन हो कि जहाँ पे सिर्फ सीनियर सिटीजन्स को पहले फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे दिया जाए। सर दूसरा है कि हमने अभी तक ट्रीटमेंट की ही बात की है, कुछ और है जैसे हमारे अभी मेडिकल कॉलेज है इसमें काफ़ी रिसेंटली काफ़ी एसोसिएट प्रोफेसर्स अटैच हुए हैं तो इसमें सर इन लोग का काफ़ी अच्छा योगदान रहा है रिसर्च वर्क में। सर तो बजट में कुछ प्रावधान रिसर्च वर्क के लिए भी दिया जाए क्योंकि आजकल जो नए बीमारी आ रही है सर कोविड हो गया, थैलेसीमिया हो गया, रिसेंटली अभी एक रिसर्च आया जिसमें HIV तक का जैसा इलाज है वो स्टेम सेल प्रिजर्वेशन के थ्रू हुआ गया है सर, लेकिन देखा गया है कि स्टेम सेल जो है ये काफ़ी प्राइवेट में अगर आप जाएंगे करने के लिए तो काफ़ी महंगा पड़ता है कि मिनिमम 70,000-80,000 to 1 lakh रुपीज़ है लोग 75 years के लिए लिया जा रहा है। सर कुछ एक ऐसा प्रावधान हो कि कुछ जैसे जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग हैं वो स्टेम सेल प्रिजर्वेशन के लिए भी आए कि ताकि इससे काफ़ी लोगों का इलाज हो सके। सर सर थैंक यू सो मच। जोहार। अलबत्ता एक पत्रकार को
सुनना बेहतर लगता हो, और जब पता चलता हो कि मंत्री जी के सामने बहुत सारी चीज़ें उठाई जा रही हैं तो एक पत्रकार के तौर पर सुनना बेहतर लगता है। मैं रांची प्रेस क्लब का अध्यक्ष हूं और यहां प्रभात खबर में एडिटर हूं, रेजिडेंट एडिटर। एक अच्छी बात है कि आप लोगों ने आम लोगों से पूछा है कि बजट में क्या हो। कुछ बिंदुओं पर मैं बताऊं आपको कि एज पर IEPHS जो होम्स है उसमें हेल्थ जो सब सेंटर्स है उसमें 2 NM और 1 MPW जो होना चाहिए वो तो मुझे लगता है ये बेहतर होगा। 20 वर्षों में लगातार इस मामले में अपना राज्य पिछड़ता रहा है। दूसरा है कि एक बात हुआ था कि दिल्ली जैसा वेल मोहल्ला क्लिनिक, तो हमको लगता है कि वेलनेस जो जितने बने हुए सेंटर वो फंक्शनल हो जाए तो मुझे लगता है उसमें भी आम लोगों को बहुत, मैं कोई बड़ी कोई भूमिका और ये बड़ी राय मैं नहीं दे पा रहा हूँ। MTC हर एक ब्लॉक में हो इसकी घोषणा होनी चाहिए, क्योंकि अपने जो राज्य में कुपोषित बच्चों की जो संख्या है वो मुझे आपके सामने आंकड़े हैं, तो मुझे लगता है जो चयन कोल्ड चेन जो है उसको हमें मुझे लगता है कि दुरुस्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब वैक्सीनेशन को लेकर के भी कोरोना का बूस्टर डोज और बहुत सारी चीज़ें जो वैक्सीनेशन को लेकर के है वो बहुत जरूर आवश्यक है। दूसरा है कि AAAs को जो ट्रेनिंग और उनका साइटेशन होना बहुत आवश्यक है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा संवेदनशील बनाया जा सके। इस पर हम लोगों ने अगर और कुछ स्मॉल बुकलेट्स हो, अगर देखिए मैंने देखा है कि ग्रामीण इलाकों में जो रिम्स में आते हैं या लोग इतना तेज़ी से भटकते हैं तो लोगों में अवेयरनेस का जो अभाव है पूरे हेल्थ को लेकर के या पूरे हेल्थ सिस्टम को लेकर के, गवर्नमेंट हेल्थ, हमारे एक पीछे साथी बता रहे थे कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में किस तरीके से लोग को माने पहुँचना पड़ता है, और बगल में अगर अच्छे डॉक्टर्स मौजूद हैं, गवर्नमेंट की सेवाएं मौजूद हैं, तो मुझे लगता है, और मैं एक एज ए पत्रकार के तौर पर सभी से कह रहा हूं कि गवर्नमेंट्स हॉस्पिटल्स का यशोगान करने की हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि हम यशोगान करें कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लोग आएँ, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जब लोग पीड़ित हो जाते हैं तो अब स्थिति ऐसी बनती है कि अब आफत में तो आदमी जाता ही है, तो ये सारी दिक्कतें हैं। मुझे लगता है मेरे छोटी छोटी राय है, और आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। मैं ज्योति सिंह मथारू, प्रेसिडेंट झारखंड सिख फेडरेशन। सर, सर्वप्रथम मैं बोलना चाहूँगा कि रिस्पेक्टेड मंत्री जी, सचिव महोदय, आप लोगों ने जो कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं को, खास करके सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को जो सेवा प्रदान कराई है झारखंड को, मुझे लगता है कि ये एक अपने आप में इतिहास कायम किया है आप लोगों ने। क्योंकि हम लोग जब भी बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं की, सरकारी सेवाओं की, तो हम लोग को लगता है कि सरकार के जो अस्पतालों में जाएंगे तो हमारा अच्छा इलाज नहीं होगा, लेकिन कोविड पीरियड में जो इतना बढ़िया इलाज हुआ उसके लिए मैं मंत्री जी को और खास करके स्वास्थ्य सचिव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात सर, जो जन की बात है मेरे मन में आई है कि डॉक्टर्स जो निजी प्रैक्टिस करते हैं सर, उस पर एक जो फी लिया जाता है, कहीं 1500 है, कहीं 2000 है, कहीं इमरजेंसी के नाम पे 2500 भी लिया जाता है सर। उस फी को सर कम से कम सरकार को एक तय करना चाहिए कि निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स जो हैं उस फी को एक फिक्स रेट करना चाहिए, ताकि सब जगह एक तरह का अगर चार्ज लिया जाएगा, ताकि जो आम आदमी है, गरीब है, वो कम से कम अपना इलाज सही जगह जाके करा ले। क्योंकि इमरजेंसी के नाम में जब पैसा लिया जाता है तो पेशेंट को जब इमरजेंसी होती है तभी डॉक्टर के पास जाता है, ऐसे वो जाने की इच्छा नहीं रखता है डॉक्टर के पास में। दूसरी बात सर, गांव की बात करना चाहूँगा कि आज विश्व में सब जगह स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो रही है, झारखंड की जो पहल हुई है कि सबकी राय सबका बजट, ये पहली बार झारखंड बनने के बाद हुआ, और मैं उसमें एक छोटी सी बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि मेरा एक सुझाव है कि जितने भी सुदूर ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें एक ऐसी तकनीक का प्रयोग किया जाए ताकि गांव-गांव पंचायत से लेकर जंगल में रहने वाले लोगों तक उनका जो जांच है वहीं पर कर लिया जाए। क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है और बहुत सारा काम हो रहा है, और ऐसे किट उपलब्ध है पूरे विश्व में कि जिससे कि वो किसी क्षेत्र में गांव में जाकर अगर कोई जो सेवक होता है या असिस्टेंट जो होता है कोई हमारी भी बात सुन के जाइए, अपनी बोली है,
अच्छा ठीक है ठीक है, तब जाइए जाइए। तो सर वैसे किट उपलब्ध है उसकी जो झारखंड में लाया जाए और उस किट के माध्यम से गांव-गांव में एक हेल्थ कार्ड के माध्यम से उनके स्वास्थ्य की पूरी रिपोर्ट तय की जाए ताकि उसका कोई भी रिकॉर्ड जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के पास रहे, स्वास्थ्य अधिकारियों के पास रहे। इन्हीं बातों के साथ आपका धन्यवाद आपको बुलाने के लिए। गुड इवनिंग हेल्थ मिनिस्टर सर एंड हेल्थ सेक्रेटरी सर, मेरा नाम डॉक्टर अंतिश कुमार गुप्ता है, सेक्रेटरी जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन। अभी वर्तमान में मैं शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मेडिसिन विभाग में एज ए सीनियर रेसिडेंट पोस्टेड हूँ। सर मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा सर कि जैसे कि अभी जो भी सर मेडिकल कॉलेज खुले हैं झारखंड में वहाँ विशेषज्ञ चिकित्सक नियुक्त किए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी सर दुर्भाग्य की बात यह है कि विशेषज्ञ चिकित्सक होने के बावजूद भी उस सब मेडिकल कॉलेज में सिटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड की व्यवस्थाएँ नहीं है। इसके वजह से होता है सर ये कि सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड कराने के लिए पेशेंट को रेफर करना पड़ता है, तो बीइंग सर मेडिकल कॉलेज में रहते हुए रेफर करना एक होता है कि बहुत बड़ा सर इंफ्रास्ट्रक्चर को हैम्पर करना होता है, एम्बुलेंस भेजो ये करो। उसके ऊपर सर अगर देखा जाए सर तो झारखंड में सबसे ज़्यादा जो गरीब मरीज है वो टीबी और सर ब्लीडिंग डिसऑर्डर के ही है, और सर टीबी के जहाँ तक बात की जाए सर बहुत अरसे ऐसे पेशेंट है जिनके लीवर में दिक्कत है, किडनी में दिक्कत है, जो कि सर जो टीबी की दवाई जो हॉस्पिटल में दी गई फर्स्ट लाइन वो उन्हें नहीं दी जा सकती है, और कुछ मरीज सर इतने असक्षम है वो परचेज नहीं कर सकते, ऐसी तादाद बहुत ज़्यादा है सर। कई बार ऐसे होते हैं सर जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर का पेशेंट है उनको ब्लड कंपोनेंट देना पड़ता है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में भी ये फैसिलिटी नहीं है सर, उसके लिए भी रेफर करना पड़ता है, कि कई बार सर रेफरल में ही उनकी जान चली जाती है। इस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सर, और मेडिकल कॉलेज जब सर खुले हैं सर तो उनमें पीजी की सीटें भी सर आनी चाहिए ताकि विशेषज्ञ चिकित्सक अच्छी सेवा दे पाएँ। सर जैसे कि मैं अभी हजरबाग में हूँ सर, वहाँ बहुत बार ऐसे होते हैं कि चौपारण से या रामगढ़ से गोला से आसपास से पेशेंट आते सर, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल आने के बाद भी सर उनका सिटी स्कैन नहीं हो पाता है, ये सब चीज़ से ध्यान देने का। दूसरा बात सर ये है कि सर जो जैसे पलामू में या डाल्टन में जही भी सर डॉक्टर जब विशेषज्ञ चिकित्सक गए हैं सर इस बात पे ध्यान देना सर कि सारी सुविधाएं रिम्स में ना दी जाए सर, अगर विशेषज्ञ चिकित्सक उधर भी है तो मोटिवेट किया जाए सर। अगर हम लोग अगर नज़दीकी बिहार राज्य में देखें तो वहाँ पर सर पेरीफेरी में जितने डॉक्टर काम कर रहे हैं उन्हें सर सुविधाएँ और ज़्यादा दी गई ताकि वो और मन से काम करें, लेकिन सर हमारे राज्य में रिवर्स हो रहा है सर, वहाँ सुविधाएँ कम कर दी जाती हैं। थैंक यू सर। जो भी आप अपने बहुमूल्य विचार पेश कर रहे हैं उन्हें लिखित में भी दे दीजिएगा। गुड इवनिंग सर, मैं पिया बर्मन, यूथ कांग्रेस प्रदेश महासचिव। सर मैं बताना चाहूँगी कि ब्लड डोनेशन कैंप मैं भी लगाती हूँ सर। SDP मशीन रिम्स में दो ही हैं तो सर उसे बढ़ा दिया जाए और सदर अस्पताल में भी किया जाए ताकि हमें बार बार रिम्स में भागना ना पड़े। थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग सर, मैं एक CA का छात्र हूँ और कोविड के जो सेकेंड वेव आया उस दौरान मुझे मौका मिला कि मैं सेल्फ वॉलंटियरशिप करके सदर हॉस्पिटल में काम करूँ, और उस दौरान मुझे कुछ चीज़ें नज़र आईं जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, अपना सजेशन देना चाहूँगा। सर उस दौरान मैंने ये देखा कि बहुत से ऐसे लोग थे उस समय गवर्नमेंट, सबसे पहले तो सर बधाई देना चाहूँगा कि बहुत अविश्वसनीय कार्य हुआ जिस तरीके से संभाला गया माहौल को। हो सकता है कि लोग अपने घरों में बैठ करके और अपनी अपने व्यूज़ को रख सके कि नहीं इस तरीके से काम नहीं हो उस तरीके से, बट सर कमेंडेबल जॉब, बहुत अच्छा, क्योंकि जो लोग फील्ड में थे वो समझ पा रहे थे कि कितनी मुश्किल से चीज़ों को देखा जा रहा है। लेकिन सर मैं इसमें दो चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ हर जगह CHC PHC बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन आज जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो मोबाइल मेडिकल वैन जैसी जो फैसिलिटी है वो हमें थोड़ा सा रेगुलराइज करनी होगी ताकि जो एकदम पिछड़े क्षेत्र में लोग हैं जो जिनको शहर आने में ही 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर आना पड़ेगा और उसके लिए एक अलग चार्जेस देना पड़ेगा और फिर आकर के यहाँ की सुविधाओं को अवेल करना पड़ेगा। और पहले से ही हमारे यहाँ शहर में इतनी भीड़ है कि लोग को अपने जा करके बातों को कहाँ रखें और किसके पास जाएं ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है सर, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इस वजह से अगर हम मोबाइल मेडिकल वैन की फैसिलिटी लेकर के आते हैं और थोड़ा सा रेगुलराइज करते हैं तो हम जो हमारी स्वास्थ्य सेवा है उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से ला सकते हैं। सर दोबारा दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा टू द पॉइंट कि हमारे पास में सर एम्बुलेंस की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन हम जब फ़ोन करते हैं एम्बुलेंस के लिए या और सेवाओं के लिए तो 10 बार कनेक्ट किया जाता है कि ठीक है आप थोड़ा सा प्रतीक्षा कर लीजिए हम कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसा ही 2 इंसिडेंट अभी फ़िलहाल में मेरे नज़र के सामने हुआ, जब रोड पर एक्सीडेंट हुआ तो लोग सामने से गुजर रहे थे, बहुत सारी पुलिस वैन भी गुजरी लेकिन वो जो लेडी थी वो वहीं पर पड़ी रही,
और भगवान की दया से जो मैं जैसे मैंने कहा कि कोविड के दौरान मुझे सदर में काम करने का मौका मिला, तो वहाँ के उन लोगों ने मेरी मदद की काफ़ी। तो उस पेशेंट को ले जाने के लिए जब मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एक बार नहीं दो बार नहीं बहुत बार, तो सर ये फैसिलिटी थोड़ी सी स्लो है हमारी, और थोड़ा सा जब हम मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि किस टेक्निकल चीज़ों को लेकर के हम आएँ कि कम बजट में हम लोगों को ज़्यादा सुविधा दे पाएँ और ज़्यादा स्वास्थ्य सेवा जो है वो उन तक पहुँचा पाएँ। और सर एक और चीज़ कि हमें लोगों को थोड़े से ज़्यादा जागरूक करने की ज़रूरत है। अगर जागरूकता आएगा, क्योंकि सर मैंने कहीं रिकॉर्ड देखा था कि जो डायन प्रथा और ये सब प्रथा होती है, इसी से काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ मौतें हो रही हैं। तो जब हम अपने चीज़ों को लोगों तक पहुंचा पाएंगे, उनको जागरूक कर पाएंगे, तो इन सारी चीज़ों से हमें निजात मिल पाएगा। तो सर इस पे मेरा आपसे विनम्र निवेदन है हाथ जोड़ के कि इस पे ध्यान दिया जाए सर, और जिस तरीके से हम लोगों तक पहुंच पाएं बहुत अच्छी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुड इवनिंग सर, ये अनोखी पहल के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, ये जिसमें कि आप सभी लोगों की राय लेकर ये विचार मंथन कर रहे हैं। मेरा नाम सर डॉक्टर आशुतोष है, मैं पिछले 2008 में रिम्स में फिजियोलॉजी में ट्यूटर के रूप में ज्वाइन किया था, और मेरे साथ और भी लोग ट्यूटर में ज्वाइन किए थे। जब मैं उस समय नॉन एमडी था, फिर फर्दर एमडी करने के लिए मैं यहाँ पे क्वालिफाई किया, और एमडी कोर्स करने के बाद मेरे साथ और चार लोग थे जो कि मतलब वो पुनः एमडी करके फिर जब रिम्स में पुनः ज्वाइनिंग के लिए एप्लीकेशन दिए, तो अभी तक वो उस पर अभी विचाराधीन नहीं मतलब वो है, और अभी उस पर कुछ ठोस निर्णय नहीं हो पाया है। तो मैं कहना चाहूँगा कि इस पर जल्द से जल्द कुछ आप लोगों की तरफ से कुछ पहल हो, जिसमें जो लोग भी जो नॉन एमडी थे और पुनः एमडी करने के बाद जहाँ जहाँ से लोग आए थे, जैसे ईएसआई हॉस्पिटल से, सीसीएल हॉस्पिटल से, तो वो लोग पुनः अपने जगह पे वापस ज्वाइन किए, लेकिन हम लोग जब ज्वाइनिंग के लिए एप्लीकेशन दिए हैं तो अभी तक वो विचाराधीन है और उस पर डिसीजन नहीं हो पाया है। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि इस पर आप लोगों का विचार वो हो। धन्यवाद। और कोई अपनी राय रखना चाहते हैं? चलिए अब मैं निवेदन करूंगा कि और जिन लोगों का सुझाव हो वो लिखित हमको सुझाव उपलब्ध करा दें, तो हम लोग उस पर भी ध्यान देंगे। अभी हमारे अब तो कोई और नहीं बोलना चाहते ना? ठीक है, धन्यवाद। अभी तक कई समाजसेवी लोगों का, हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब का, कई एनजीओ, हमारी सैया बहनों के द्वारा, एएनएम बहनों के द्वारा, हमारे पत्रकार भाइयों के द्वारा, स्थानीय समाजसेवी और कई संगठन के लोगों ने अपने अपने विचार दिए हैं। हम आप सभी लोगों का बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं, और हम लोगों की ये सोच है कि हम बजट जो बनाएं तो उस बजट में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य की दिशा में लाभान्वित करें। इसी उद्देश्य से हमने आपके इस बहुमूल्य समय और बहुमूल्य सुझाव को अंकित करने का काम किया है, और हम बहुत आपको बहुत धन्यवाद देते हैं, और बल्कि हम लोग बहुत जल्दी इस राज्य में कोई 20-21 लोगों की एक एडवाइजरी कमेटी भी बनाएंगे, और जो एडवाइजरी कमेटी हम लोगों को स्वास्थ्य की दिशा में समय समय पर ये भी बताएगी कि हम स्वास्थ्य की दिशा में काम करने से कहाँ भटक रहे हैं, और हमको स्वास्थ्य की दिशा में बेहतर काम कैसे करने हैं। और वो कमेटी
को हम उस हद तक भी अधिकार देंगे कि वो कभी कभी रेंडम जाके कुछ कुछ अस्पतालों का, कुछ कुछ हमारी संस्थाओं का, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, उसको देखे, समझे और उसको हम तक पहुंचाए कि यहाँ ये गड़बड़ियाँ हैं। तो इसके लिए भी हम लोग कुछ विचार कर रहे हैं। आज कई एक चिकित्सकों ने, डॉक्टर भारती कश्यप ने सर्वाइकल कैंसर और कोलोस्कोप मशीन के बारे में बताया, साथ ही क्षेत्रीय कॉर्निया संस्थान और कॉर्निया बैंक के विषय में भी बोला है। बहुत गंभीर बात भी है कि हमारा बहुत सारा कॉर्निया जो है वो बर्बाद हो जाता है, उसको समय में हम उसका सही उसको रख रखाव नहीं करते हैं या उसको सही तरीके से उसको हासिल नहीं करते हैं तो वो बर्बाद हो जाता है। और उन्होंने कॉर्निया वितरण वगैरह के भी संबंध में बताया है। डॉक्टर राजेश कुमार जी ने संशोधित आयुष्मान पैकेज में अतिरिक्त बजट के प्रावधान की बात कही है, मेडिकल कॉलेज खोलने और अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के बारे में बताया है, 2 अतिरिक्त मेडिकल कॉलेज खोला जाए, नर्सिंग कॉलेज अधिक खोला जाए। डॉक्टर प्रदीप सिंह जी ने जिलावार बीमारी के अभिभार के आधारित बजट तैयार किया जाए, ये अच्छा उन्होंने सुझाव भी दिया है कि जो जैसे उन्होंने कहा कि मलेरिया के लिए जैसे कुछ कुछ ज़िले बच गए हैं, 5-6 ज़िले ऐसे हैं जहां मलेरिया है, या फिर संथाल में हमारा 4-5 ज़िला बच गया है जो कालाजार से प्रभावित है। तो इन्होंने ठीक कहा है कि जो ज़िलों में ज़्यादा इसकी अभी तक मरीज हैं वहाँ पर उसके लिए अलग बजट का प्रावधान हो, और जिन जगह पर वो मैन पावर और उसका जो है सारी चीज़ों का दूसरे चीज़ में इस्तेमाल भी हो तो उनके भी, और जो गांव देहात में दूरस्थ इलाके में कैसे हम स्वास्थ्य की सेवा बढ़ाएं उस पर बात की है। जिला स्तर पर भी विशेषज्ञ उपकरण उपलब्ध कराया जाए, स्वास्थ्य कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग लगातार की जाए, विशेष करके 2 माह में मॉनिटरिंग की जाए, मॉनिटरिंग कोषांग का गठन संबंधी भी बात की है जिसमें गैर सरकारी संगठन को भी शामिल किया जाए, इस सब बातों को आपने उल्लेखित किया है। डॉक्टर बीके गुप्ता जी ने कहा है कि सभी बच्चों को स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाए, हम उसकी दिशा में भी काम कर रहे हैं। डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी ने चिकित्सा पारा चिकित्सकों को प्रोत्साहन राशि थोड़ी बढ़ाने की बात कही है ताकि जो हमारा अर्बन में तो लोग आ जाते हैं लेकिन रूरल में लोग जाने में कतराते हैं, तो उसके लिए थोड़ी इंसेंटिव वगैरह बढ़ाकर उनको रखने की बात कही है। चिकित्सकों को इच्छा अनुसार पदस्थापन किया जाए जैसे उड़ीसा में किया जाता है, इस पर भी उन्होंने उल्लेख किया है। अस्पतालों को खोलने के लिए लाइसेंस निर्गत करने हेतु तो सिंगल विंडो सिस्टम किया जाए, क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट वगैरह पर उनके चिंता है, मैं समझ सकता हूँ। अस्पताल हेतु अंतर विभागीय समन्वय समिति बनाई जाए ताकि शीघ्र लाइसेंस की प्राप्ति की जा सके। अस्पताल हेतु लगाने में टैक्स को कॉमर्शियल टैक्स से छूट प्रदान की जाए, हाँ इस पर भी हम लोग, इस पर तो चूँकि ये हमारे ही विभाग का नहीं है, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस पर हम लोग आपकी चिंता से उनको भी अवगत कराएंगे कि बिजली पानी और सुविधाएँ जो है कैसे उसमें जो है रिबेट मिले आपको। और PPP मोड में चल रहे कार्यक्रम का ऑडिट कराने संबंधी बात कही है। राहुल मरवा जी ने फ्रंटलाइन वर्करों को जिनकी मृत्यु कोविड के कारण हुई है उस पर मुआवजा संबंधी बात की है। मोहल्ला क्लिनिक की भी बात आपने कही है, अभी 87 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं और अभी 13 और हमको चलाने हैं और इसको आगे और हम कैसे व्यवस्थित करेंगे इस पर हमारा ध्यान है। इसी के साथ उन्होंने ब्रेन डेड की बात कही है, हमारे यहाँ तो ब्रेन डेड होने के बाद भी जो है हम उनको जो है रखते हैं, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में उसमें इंजेक्शन वगैरह दिया जाता है लेकिन हमारे यहाँ चूँकि हम मानवीय आधार पर चलने वाले देश हैं, लेकिन उसमें उन्होंने एक विषय कहा कि उनके जो है अंग दान वगैरह और ट्रामा सेंटर का निर्माण आदि की बात की है। 50% छूट के साथ सोलर पैनल की व्यवस्था, कैथ लैब, टेली मेडिसिन आदि की सुविधा की बात उन्होंने उठाई है, ये भी अच्छे विषय हैं। डॉक्टर विनोद हमारे सिविल सर्जन हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री गंभीर योजना में थैलेसीमिया हृदय रोग को सम्मिलित किया जाए, इस ये भी एक अच्छा आपका सुझाव है।
डॉक्टर सुभाष सोरेन हमारे निर्देशक हैं रिम्पास के, उन्होंने 10 चिकित्सकों के विभिन्न बीमारियों हेतु विशेष प्रशिक्षण प्रत्येक वर्ष दिलाया जाए इस विषय में हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। डॉक्टर राकेश चौधरी रिम्स के आयुष्मान जैसी सुविधाएं सभी परिवारों को दिया जाए, सरकारी अस्पतालों को प्रोत्साहन राशि ससमय वितरित किया जाए, सदर अस्पताल रांची में हृदय रोग रिम्स की सहयोग में बनाया जाए, हर जिले में मेडिकल कॉलेज निर्माण हो, सरकारी फार्मेसिस्ट दुकानों की व्यवस्था की जाए, सभी सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था की जाए, रिम्स चिकित्सकों को निजी प्रैक्टिस की छूट दी जाए। अभी भी करते हैं लेकिन अभी थोड़ा सा हम लोग उसको चाहते हैं रेगुलराइज हो जाए, ठीक है, इस पर विचार होगा। डॉक्टर अर्चना पाठक ने सर्वाइकल कैंसर में स्क्रीनिंग एवं टीकाकरण की बात कही है, इसको भी हम लोग आपके विचार का हम स्वागत करते हैं। और पारा चिकित्सा कर्मियों के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन निरंतर किया जाए। डॉक्टर सृष्टि प्रिया ने ऑर्थोडोंटिक्स डेंटल चेक कैंप लगाया जाए, स्वास्थ्य कार्ड में डेंटल का प्रवेश किया जाए आदि विषय पर बताया है। डॉक्टर अजीत ने रांची में एक और मेडिकल कॉलेज खोला जाए, रांची में डीएनबी कोर्स शुरू किया जाए, सरकारी चिकित्सकों के प्रशिक्षण विशेष प्रशिक्षण हेतु नज़दीक के मेडिकल कॉलेजों से संबंध किया जाए, ये अच्छी बात है और हम लोग इस पर विचार भी कर रहे हैं कि हम अपने चिकित्सकों को बाहर बाहर के बड़े चिकित्सकों से भी हम उनको टाई अप कराने भी जा रहे हैं। सरिता देवी सैया हमारी बहन ने हरियाणा के तर्ज पर 10 से 14 हज़ार रुपये मानदेय की बात की, दोपहिया वाहन दिया जाए, स्मार्टफोन की बात की है। अभी मैं मनसुख मुड़िया जी हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से हमने प्रार्थना भी किया है, प्रार्थना पत्र भी दिया है कि सैया बहनों का मानदेय वास्तव में कम है तो उनका मानदेय बढ़ाया जाए, और हम लोग राज्य के तरफ से भी उनको जो है तीन तरह से उनका जो है डिवीजन कर रहे हैं। एक उनको गोल्डन कार्ड बनाएंगे जो बहुत अच्छा करेंगी, उसमें 1000 रुपये की राशि उनको हम दे रहे हैं। उसके बाद एक है ब्रॉन्ज है, एक सिल्वर है, उसमें भी कुछ कुछ हम लोगों ने राशि मुहैया कराने की बात कही है। हमारी अंजलिना खाका एएनएम ने एएनएम को नियमित की बात कही है, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। श्री ज्योति मथारू जी निजी चिकित्सकों को परामर्श शुल्क को फिक्स किया जाए, हाँ ये भी एक गंभीर विषय है जिस पर हम लोगों को चिंतन करने की ज़रूरत है। हालांकि हम लोगों ने कोविड में कुछ टैरिफ वगैरह का निर्धारण किया था लेकिन इसको भी हम लोगों को कुछ आगे इस पर विचार करने की आवश्यकता है। डॉक्टर नितेश जी ने सिटी स्कैन अल्ट्रासाउंड मशीन की संख्या एवं उपलब्धता तुरंत बढ़ाया जाए, पीजी की सीटें बढ़ाई जाएं। प्रिया ने ब्लड सर्कुलेशन मशीन सदर रांची में लगाया जाए, हम लोग अभी 7 जगह ब्लड सर्कुलेशन मशीन लगाने जा रहे हैं, इसकी भी बात हुई है। डॉक्टर आशुतोष रिम्स ट्यूटर पदोन्नति की बात किया है। इसी के साथ नदीम खान जी ने जो रांची के अर्बन स्लम एरिया में स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण निजी अस्पतालों जो रिसर्च के नाम पर किए जा रहे कार्यों का जांच कराया जाए, इनकी बात से भी हम सहमत हैं, और कुछ इनका जो ब्लड से जुड़ा हुआ मामला है उसको भी हम लोग फिर से उसको रिव्यू करेंगे, और इस पर भी हमने कहा है कि रिव्यू करेंगे उस पर। फुटपाथ दुकानदार संघ ने 18 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं मानसिक रोग से ग्रसित हैं उनके उपचार की व्यवस्था की जाए, सरकारी शिशु अस्पताल के निर्माण एवं संचालन संबंधी बात कहा है। फुटपाथ पर विक्रेताओं को 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा किया जाए। डॉक्टर विकास ने झारखंड में सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के निर्माण रिम्स के अंतर्गत अधिक सुपर स्पेशलिस्ट विभाग की बात कही है, साथ ही ये भी कहा कि जो है कि 3-4 विभाग हैं जिसमें ही ये काम होते हैं, उनकी बात से भी हम लोग सहमत हैं। और ई अस्पताल योजना लागू किए जाने का, ऑनलाइन सेवाओं को वृद्धि करना। डॉक्टर गणेश सिंह मोबाइल चिकित्सा सहित वाहन का शुरुआत, कुपोषण केंद्र बढ़ाया जाए। डॉक्टर धनंजय राठौर वृद्ध रोगियों के लिए उन्होंने अलग से एक काउंटर खोलने की बात कही है, तो ये भी एक स्वागत योग्य है। रिसर्च हेतु अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया जाए, बिल्कुल ठीक है, राशि का भी प्रावधान पर विचार होना चाहिए।
हमारे अध्यक्ष प्रेस क्लब के द्वारा जो है IPHS मानक के अनुरूप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मानव बल हेल्थ एंड वेलनेस को क्रियाशील किया जाए, कुपोषण उपचार केंद्र में प्रत्येक प्रखंड में हो, कोल्ड चेन की शुद्धिकरण की जाए आदि आदि पर हमारे बहुत सारे आपके बहुत बहुमूल्य सुझाव आए हैं जो बहुत ही स्वागत योग्य हैं। और हम लोग चाहते हैं कि ये बजट ऐसा बजट बने, और इस बजट में हम पिछली बार जो बजट था वो हमारा करीब 2900 करोड़ था, फिर उसको थोड़ा और इजाफा हमने किया था, लेकिन अबरी हम बजट जो है 4200 करोड़ का बजट ला रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें इन आपके बहुमूल्य सुझावों को भी संग्रहित करें। और मैं समझता हूँ कि करीब करीब जिन लोगों ने जो सुझाव दिए हैं वो सभी सुझाव जो हैं वो स्वागत योग्य हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो इनको हम या हमारे अधिकारी जितना गंभीरता से नहीं समझ पाते हैं, वो जब आप धरातल में काम करते हैं तो आपको उसकी गंभीरता ज़्यादा आपको समझ में आती है, और यही कारण है कि आप लोगों की चिंता से हम वाकिफ़ हैं। जैसे ब्लड के लिए जो कहा है हमारी बहन ने कहा है, ब्लड सर्कुलेशन मशीन का, वो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम जानते हैं कि RBC WBC प्लेटलेट प्लाज्मा ये चारों कंपोनेंट जब तक उसका डिवीजन नहीं होगा उसकी जो है समय सीमा खत्म हो जाएगी, तो उसको बढ़ाने के लिए निश्चित तौर पर। और एम्बुलेंस की सुविधाओं में जो गड़बड़ियाँ आई हैं हमारे एक नौजवान साथी ने कहा, तो मैं आप सभी लोगों की बातों को सुन भी रहा था, और हम हमारे आदरणीय ACS साहब के साथ कुछ कुछ आपके विषय पर, गंभीर विषय पर मैं साथ ही साथ उनको जो है उस चीज़ की तरफ इंगित कर रहा था कि ये बहुत महत्व के विषय हैं। और जहाँ तक एक ब्लड डोनेशन कार्ड की भी बात कही है तो उसको भी हम लोग देख रहे हैं, और एक बड़ा इम्पोर्टेंट कहा था कि हेल्थ का एक कार्ड बनना चाहिए, वो शायद इस विषय को हेल्थ के भी कार्ड को बनाने पर हम लोग विचार कर रहे हैं कि उसी में आयुष्मान भी हो जाए, उसी में जो है मुख्यमंत्री गंभीर योजना हो जाए, उसी में उसके ब्लड के आ जाएँ, उसमें यदि उसको कोई ग्रीवियस बीमारी वगैरह है। इसी के साथ हम लोग और भी विचार कर रहे हैं कि जो हमारी बच्चियां हैं, महिला कॉलेज है और बच्चियों का कॉलेज है, मैं स्कूल है, वहाँ सैनिटरी नैपकिन वगैरह का भी जो है वो हम व्यवस्था करने पर विचार कर रहे हैं। तो कई चीज़ों पर हम विचार कर रहे हैं, और विचार करने के उपरांत जो है आप सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं हम समाहित करेंगे। आयुष्मान पर भी कहा है, एक हमारे फुटपाथ दुकानदार भाई ने कहा है कि बीमा की बात जो कही है उसमें हम लोग कुछ सरलता करने के ऊपर विचार कर रहे हैं। अमूमन अभी हम लोगों ने 8 लाख रुपये तक के लोगों को जो है मुख्यमंत्री गंभीर योजना से जोड़ दिया था, जिसमें सिविल सर्जन साहब को 5 लाख का राइट था, उसके ऊपर फिर कैबिनेट में जाता था। तो हम लोग उस पर भी विचार कर रहे हैं कि कैबिनेट में वो 15 लाख के ऊपर का जाए, उसके नीचे विभाग के ही स्तर पर हम जो है उसका समापन कर दें, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो। इन चीज़ों पर हम विचार बना रहे हैं, और मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत शुभकामना देता हूँ कि आप लोग जैसे अच्छे लोग हैं, जिन लोगों के सुझाव का ये केवल आपको बुलाकर बैठाना और बैठाकर चले जाना वाली बात नहीं होगी, आपके विचारों को हम कहीं ना कहीं आपके विचारों का सम्मान करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। चूँकि हमें ये लगता है कि आपने जो सुझाव दिए हैं ये बड़े बहुमूल्य हैं, क्योंकि जो हमारे मन की बात है उसी बात का एक बड़ा स्वरूप आपने किया है। तो मैं करीब करीब बात कर रहा था, लेकिन करीब करीब लोगों की बातों को सुन रहा था, और करीब करीब लोगों की बात को सुनकर हमारे दिमाग में है कि किन किन लोगों ने क्या क्या कहा है। हमारे रानी चिल्ड्रन के जो हमारे डॉक्टर साहब हैं उन्होंने क्या कहा, बड़े भाई अजय सिंह ने, प्रदीप जी ने, हमारे जो हैं संजय मिश्रा बड़े भाई ने, हमारी जो है भारती कश्यप जी, या और सभी लोगों ने जो कहा है, मैं सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं जल्द ही इस विधानसभा के सत्र वगैरह की समाप्ति के बाद हम लोग कोशिश करेंगे
कि कुछ एक बड़ी कमेटी बनाकर, और वो कमेटी ऐसी नहीं होगी कि खाली जो है वो सुझाव देगी, कमेटी को कुछ हम उसको अतिरिक्त जो है कुछ पावर भी देंगे, ताकि हमारी व्यवस्थाओं को हम आपकी आंखों से भी देखें कि हम हमारे तक जो हमारे अधिकारी लाके व्यवस्था सौंप रहे हैं वो व्यवस्थाओं में आप हमारे आँख नाक कान बन के उस व्यवस्थाओं तक चले जाएँ। क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे कॉलेज सब हैं फार्मेसिस के, या और भी बहुत सारे कॉलेज हैं, या बहुत सारे प्राइवेट संस्थान हैं कि जो आहर्ता नहीं पूरा कर रहे हैं फिर भी बने हुए हैं। आज मुझे और भी कुछ लोगों ने कहा कि नशा के संबंध में भी कहा, कि दवाइयों के संबंध में भी कहा, तो मैंने कहा है कि बिल्कुल जो दवाइयों का जो नशा वगैरह हो रहा है, हमारी नस्ल गड़बड़ होगी, हम बहुत जल्दी, हमने जाँच के लिए दिया है, जाँच रिपोर्ट आएगी, यदि जाँच रिपोर्ट में लोग पाए जाएंगे तो हम विधि सम्मत भी कार्रवाई करेंगे और उसमें जो है हम विभागीय स्तर भी कार्रवाई करेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों के सुझाव से हमको वंचित मत कीजिए, आप अपने सुझाव बीच बीच में हमको देते रहिए, और यदि आपको लोगों को ये लगे कि नहीं हम लोग भी कहीं पथ से भटक रहे हैं तो आप ही हम लोगों को पथ पे वापस ला सकते हैं। यही आशा विश्वास के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत जोहार।